हरि नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद सदस्य श्री श्री मात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद सदस्य श्री श्री मात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री स्वर्णकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न दिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति में जात पात पूछना कोई और हरि का भजा सो हरी का हो। इसलिए जो सुतो गोस्वामी ये छोटे जाति में जन्म हुए। सुत मतलब क्या है? जो रथ को चलाने वाले। महाभारत देखे होंगे कहते भीम और अर्जुन बारंबार कर्ण को सुत पुत्र बोल करके ट्रोलिंग करते थे। बोले तुम छोटे जाति के व्यक्ति हो इसलिए तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। लेकिन भगवान की भक्ति में देखो यहाँ पर स्वर्णकादि ऋषि लोग बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन प्रश्न किसको कर रहे हैं? एक छोटे जाति व्यक्ति। इसलिए शास्त्र ने बताए बोले ए मन की करे वरना कोला जय को लेके ना जना मना केवल स्वयं कहते हैं मैं ऐसे छोटे जाति में जन्म लिया। सवेरे उठ करके एक बार मेरे मुंह कोई देखे मेरे नाम ले दिन भर उसको भोजन नहीं मिले। इतने किसी घर में गंदर घुस जाए ना तो घर अपवित्र हो गया बहुत। लेकिन देखो प्रभु राम की भक्ति तो देखो, मैंने प्रभु राम की भक्ति करता हूँ मुझे लगता है प्रभु राम की जितने पूजा होती है उससे ज्यादा हनुमत लाल पूजा होती है। घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है। दूसरा उदाहरण दिया विभीषण, राक्षस कुल में जन्म हुआ है लेकिन जब भगवान राम का दरबार लगता है भगवान उसको बराबर आसन दे कर बैठा है। गुह कर चंडाल है लेकिन भगवान की दोस्त है। प्रह्लाद महाराज राक्षस है लेकिन देखो जब हम जयकार देते हैं क्या कहते हैं? बोले श्री भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की, जिन्होंने खंबे से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। सबरी को देखो कितने छोटी जाति में जन्म हुए हैं लेकिन ठाकुर जिसकी झूठे देर खाते। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति में भैया जात पात का कोई विचार नहीं है, जो भजन करता है वही बड़ा है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए यहाँ पर स्वर्णकादि ऋषियों ने प्रश्न की 6 प्रश्न की थी। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी प्रश्न है कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या प्रभु को प्राप्त करने के लिए। हम इसी विषय पर श्रवण कर रहे थे बोले के तद्यमान इच्छता अपूत भया
जोगिनां निपनिर्मित हरे नामानुकीर्तनम्। इसलिए अगर कोई बोले हरि का नाम ही कलयुग में सबसे सरल उपाय, अगर कोई बोले जो संसार के माया में पड़े उन्हें ही हरिनाम करनी चाहिए, नहीं जितने मुक्त महापुरुष वो भी हरिनाम करते हैं। हनुमान जी को देखो, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। शंकर जी को देखो, कहते पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरी त्रिपुरारी। माता देवी को देखो, एक हाथ में माला है माता देवी की है। इसलिए शंकर जी से पूछे पार्वती हम किसकी भक्ति करनी चाहिए, स्वयं शंकर जी कहते पार्वती बोले राम रामति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वरानन। बोले हे सुंदरी पार्वती, जो विष्णु सहस्र नाम जो एक बार जप करे, 1000 विष्णु का नाम, अगर एक बार श्री राम का नाम लिया तो एक राम नाम समान 1000 विष्णु का नाम साथ साथ बराबर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले सहसना मासुनी प्रिय वाणी जापी जय प्रिय सभवानी। शंकर जी पार्वती को इतने प्रेम क्यों करते हैं, बोले एक ही कारण है, माता पार्वती भगवान की भजन करती है, हरिनाम करती है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड प्रभु जी की नाम को ही आश्रय लिए हैं। इसलिए हमें भी क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम तो हमें भी आश्रय देनी चाहिए। एक बार सब हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बस हरि नाम संकीर्तन की सचिनंदन गौर हरि की। बस ऐसे जो भगवान है बोले बदंती तत्व विदस तत्व जज ज्ञान ब्रह्मति परमात्मति भगवान सप्तति। बोले ऐसे जो भगवान है उनके तीन तरह के भक्त हैं, ध्यान देकर सुना इधर उधर मत देखा करो, उनके तीन तरह के भक्त हैं। वो एक ही ब्रह्म को एक ज्ञानी और एक योगी और एक भगवान की भक्त। अच्छे तरह से समझो, हमारी हिंदू लोग कभी कभी इतने भटक जाते हैं ना, उनको पता नहीं चलता भैया भजन करते किसको भजन करे, वो निराकार ज्योति को भजन करे ना अंगुष्ठ परिवार परमात्मा को भजन करे ना कृष्ण राम को भजन करे। अच्छे तरह से दिमाग में बैठा बढ़िया से बैठा, कभी भ्रमित नहीं होना इस चीज पर। इसलिए यहाँ सुत गोस्वामी एकदम अच्छे तरह से समझाते हैं हैं, वो एक ही भगवान को तीन भक्त कैसे तीन रूप में दर्शन देते हैं। उदाहरण देकर समझाए, जैसे अभी आम का सीजन, एक राजा ने एक सेवक को बोले बोले मैंने सुना मार्केट में बड़ी सुंदर दशहरी चौसा आम आया, जाओ तो देख करके आओ। वो गया देखा सचमुच से तो पीले पीले रंग के बिक रहा था, वो देख करके वापस आ गया बोले महाराज बड़े सुंदर आम है। दूसरे सेवक को भेजा तू देख करके आ, वो देखा भी दुकान में गया जब उसको स्पर्श किया देखा पका हुआ, सूंघा तो बड़ी खुशबू है, वहीं से वापस आ गया बोले महाराज बड़े सुंदर आम मैंने देख करके आया है बड़े खुशबू पका हुआ है। तीसरे सेवक को भेजा तुम देख करके आओ, तीसरे सेवक को देखा भी उसको सूंघा भी स्पर्श भी किया बोले 5 किलो आम 5 किलो आम ला करके अच्छे ठंडा पानी में भिगवाया, उसको अमणिया किया, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाया। जब उसने आम खाया बड़ा मीठा है, राजा ने पूछा भैया आम कैसे हैं, बोले महाराज हमें खा करके देखा बड़ा मीठा आम है। ये चीज को समझो,
ये तीनों का आम मिला कि नहीं, अरे बोला मिला कि नहीं, अच्छे तरह से देखो जो हमारे भक्त लोग को अच्छे तरह समझो। मैं जाने का बाद भी प्रचार करना, ऐसे नहीं इधर सुने और इधर निकाल कर चलेंगे। कथा का समय में इधर उधर मत जाओ, बैठ करके सुना और समझो, दूसरों को भी प्रचार में लगाओ भक्ति में। इसलिए उन्होंने देखो तीनों का आम मिला है, लेकिन मिलने पर भी बराबर आम नहीं मिला, ये चीज को समझ लो। केवल दूर से उनको जो देख करके वापस आ गया वो कौन है, लोग ज्ञानी है। जो केवल भगवान को दूर से एक ज्योति रूप में केवल दिखता है, कुछ उनको दिखता नहीं। बोले भगवान कैसे, बोले तो ज्योति है और कुछ नहीं। दूसरे व्यक्ति जो पास में गया, स्पर्श भी किया, सूंघा, वापस आ गया, ये कौन है, बोले ज्योति। जो भगवान को अपना हृदय में एक अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा रूप में केवल ध्यान करता और कुछ नहीं सुन, ये योगी है। बोले लास्ट में जो गया, देखा भी, स्पर्श भी किया और आम लेकर के आया और ठाकुर जी को भोग लगा कर खाया, बोला भैया आम तो बड़ा मीठो है, कहते ये कौन है, बोले ये भक्त है। ये कौन है, भक्त है। जैसे समझो हनुमान जी, वो क्या करते हैं, अगर जरूरत होता ना भगवान को कंधे पर बैठा कर उड़ा कर ले जाते। जब भगवान शयन करते हनुमान जी क्या करते हैं, प्रभु राम की चरण की सेवा करते हैं। अगर ठाकुर जी कहीं बैठे हुए खाली में, हनुमान जी अपना पूंछ को एक सुंदर छत्र रूप में धारण कर लेते। अगर कहीं जरूरत हो मैसेज भेजने का, दूध रूप में हनुमान जी जाते हैं। भगवान की सखा भी है, दूध भी है, सेवक भी है, मित्र भी है, कौन, श्री हनुमंत लाल। जैसे ब्रज की गोपियां वो क्या करती हैं, भगवान कृष्ण को सुंदर आरती उतारती हैं, ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हैं, ठाकुर जी को खिलाती हैं। इसलिए आप कहीं नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते हैं कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहते योगी का भगवान। भगवान किसके भगवान है, हर बोलो जोर से, भक्त का ही भगवान है, भगवान और किसी को नहीं। अगर उनको पूर्ण रूप में अगर कोई प्राप्त करता भक्त, इसलिए भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए श्री सूरदास जी क्या कहते हैं, बोले सबसे ओचे प्रेम सगाए, सबसे ओचे प्रेम सगाए, सबसे अगर भगवान निराकार होते तो कभी अर्जुन का सारथी बनते।
अगर भगवान निराकार होते तो कभी अर्जुन को गीता की उपदेश देते? अगर भगवान निराकार होते तो भगवान सब लीला करता थे? इसलिए भैया भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। लेकिन जो ब्रह्मा कहते जो ज्योति वो क्या है, एक उदाहरण देकर समझा। जैसे यहाँ से जब हम सूरज को देखते हैं वो क्या दिखती है? एक ज्योति। इतना इतना ही तो दिखती है ना। लेकिन सांस तरफ पढ़ करके देखो सूर्य का रथ है, उनके नौ घोड़े लगे हुए हैं सूर्य देवता जी, उसके बीवी है, बच्चे है, परिवार है। लेकिन जब हम दूर से देखते हैं, हम किस रूप में देखते हैं? केवल एक ज्योति रूप में दिखता। क्यों? हमारी दृष्टि वहां पर नहीं पहुंच पाती है, इसलिए एक ज्योति रूप में। मानो जैसे ये लाइट है, हमें दूर से क्या दिखती है? लाइट, एक ज्योति। इतना क्या है, लेकिन तुम पास में जाओ उसके अंदर तार लगा हुआ है, कहीं से तार से इलेक्ट्रिक कहीं सप्लाई हो रही है, उसको और जाकर देखो क्या डैम से सप्लाई हो रही है। लेकिन हमें क्या दूर से दिखती है? केवल इतना लाइट। लेकिन अंदर में जाकर के देखोगे वो बहुत कुछ उसके अंदर में। इसलिए भगवान निराकार नहीं। अगर भगवान निराकार होते हम कहाँ से आ जाते? हम कहते ना तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह तुम्हें वह बंधु सखा, तुम्हें वह तुम्हें वह विद्या द्रविण, तुम्हें वह सर्वम मम देव देव। इसलिए भगवान निराकार नहीं। भगवान राम को देखो, कृष्ण को देखो, देखने में हम भगवान जैसे है ना। ठाकुर का दो हाथ, हमारे दो हाथ, ठाकुर का जैसे हाथ पैर, हम कैसे है कि नहीं? तभी तो हम उनके बच्चे हैं। इसलिए भैया शास्त्र में बताया भगवान को जो निराकार कहते हैं वो पाखंडी व्यक्ति है, वो पाखंडी है। इसलिए कभी भी शास्त्र कहता है भगवान को जो निराकार कहते हैं उससे बड़ा पाप जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भगवान को जो निराकार बोलते हैं वो पापी है। इसलिए कभी भी इनके चक्कर में पड़ना नहीं है, भागवत ये शिक्षा देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। बोले ऐसे जो भगवान है, जो कृष्ण है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कहते ऐसे जो भगवान कृष्ण है, इस श्लोक को भगवान कृष्ण बताए ना, जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति। बोले जब जब इस जगत में धर्म हानि होने लगता है, वो ब्राह्मण पृथ्वी धर्म को पर अत्याचार होता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं उसी समय में प्रकट होकर के धर्म को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को विनाश करता हूँ। अगर भगवान निराकार होता हमें रक्षा कर पाते? वो तो भूमि निराकार, हमें क्या रक्षा करेगा? जो निराकार हमें क्या रक्षा करेगा वो? लेकिन इसलिए भगवान यहाँ पर भागवत ने भगवान की 26 अवतार का नाम आया है। भगवान का जो पहला अवतार है, भगवान ये चतुष्ण रूप में जगत में आए, आ करके उन्होंने ब्रह्मचर्य पालने की शिक्षा दी। दूसरे जो अवतार भगवान वराह अवतार रूप में आए, इसलिए यहाँ पर कहते हैं शाम को 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? क्या क्या बोलो? हाँ सुन लो, पहला काम है शाम को सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम को सोता है ना, उसकी घर में लक्ष्मी कभी टिकेगी नहीं, वो निर्धन दरिद्र बनेगा। दूसरा काम है शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो भोजन करेगा उसका तबीयत कभी भी सही नहीं रह सकती, वो बीमारी जिंदगी भर रहेगा। तीसरा काम है पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ो जैसे भगवान की, जैसे हनुमान चालीसा है, ठाकुर का आरती है, ठाकुर का स्तुति स्तोत्र पढ़नी चाहिए। कहते बच्चों को उसी समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर उसी समय कोई पढ़ेगा ना तो जो पढ़ेगा वो भूल जाएगा। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना, बच्चा तो घर में ठीक से पढ़ता है लेकिन जब पेपर देने जाता सब भूल जाता है। इसलिए उसी समय में भक्ति की पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन बच्चों का स्कूल का पढ़ाई उस समय में नहीं करनी चाहिए। बोले चौथा काम है कभी भी स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए पुरुषों को।
इसलिए हमारी कथा आती है, मतलब कश्यप ऋषि के दो पत्नी थे दिति और अदिति। ये राक्षस कैसे जन्म हुए हैं? एक समय दिति ने ठीक शाम का समय में शिष्या को सामने खड़ी होकर बड़ी सुंदर श्रृंगार की। राजकुमार की बड़ी सुंदर थी, जब उसने श्रृंगार की वो कामों में इतने मुक्त हो गई, इतने उसके हृदय में काम की वासना आई, वो अपना काम को संभाल नहीं पाई और उन्होंने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा, देखो अभी जो शाम है ना, इसी समय में शंकर जी भूत पिशाचों को लेकर घूमते रहते हैं, इसी समय नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो काम में बड़े आतुर हो गई थी, जो जबरदस्ती ऋषि से मिलेगी। बोले दीदी तुमने अच्छी काम किया, तेरे गर्भ में दो राक्षस जन्म ले, भयंकर राक्षस जन्म ले, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म लेंगे। अभी दीदी तो बड़ी दुखी हो गई, चरण में गिर पड़ी, माफ कर दो, मैं काम में आतुर हो गई थी, माफ कर दो। देखो अगर कोई पाप हो गया ना, मान जाओ, अपराध को माफी मांग लो। ऋषि ने देखा पाप तो किया लेकिन माफी मांग रही है, बोले ठीक है मैं वरदान देता हूँ, तेरे बेटे तो राक्षस बनेंगे लेकिन तेरे जो पोता होंगे ना, भगवान की परम भक्त श्री प्रह्लाद रूप में जन्म लेंगे, प्रह्लाद होकर के जन्म लेंगे। इसलिए हिरण्यकश्यप का जो बेटा हुआ है श्री प्रह्लाद हुआ और इतने बड़े भक्त बने प्रह्लाद। हम कहते हैं ना करें करें में भगवान है, हिरण्यकश्यप जब पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ मेरे भगवान है नहीं तो कहाँ बताओ, सर्वत्र मेरे को प्रभु प्रभु ही दिखती है। बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाऊंगा बाद में तेरे को दिखाऊंगा। बोले ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर बैठे हुए हैं, ओ मुष्टि का भार तुम्हारे तो खंभा फट गया, साक्षात नरसिंह देव प्रकट हो गए। इसलिए कहती है भगवान की ये दूसरा अवतार बराह रूप में आए और उन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया। भगवान का जो तीसरा अवतार है ये नारद जी रूप में आए, लेकिन जगत में नारद जी की बड़े बदनाम है। हम कहते हैं ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हो, लड़ाई लगाते हैं, ऐसे नहीं, नारद के बगैर जगत में कोई भक्त ही नहीं हुए है। अगर इनकी कृपा दृष्टि अगर किसको ऊपर पड़ गया ना, कल्याण नारद जी, क्योंकि कल्याण कर दिया है नारद जी। इसलिए विशेष करके इनकी चार चेले हुए हैं, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक कौन हुए, एक प्रह्लाद और एक ध्रुव महाराज हुए, और नारद जी की ऐसे कृपा रही। इसलिए कहते हैं ना बिनु सतसंग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ नाश हुई। ऐसे कृपा नारद जी पर भई है, आज आप लोग देखोगे कैसे ध्रुव को पर भी कैसे कृपा हुई, और उन्होंने 6 महीना में ठाकुर जी की दर्शन कर लिया। इसलिए कहते हैं ना बोले जनमा जनमा मोनी जाता संत हैं,
हमारे पास में तो लोटे सोटे लंगोट और कुछ है नहीं, कुछ जो कुछ निकालो। बोले बेटा ये बता, तुझे ये पाप कर्म करके पैसा कमा के कौन देगा? बोले मेरी बीवी बच्चे परिवार। बोले पूछ कर क्या तेरे मन में भ्रम ही है? पत्नी से पूछा तू लोगी कि नहीं? बोले क्यों, घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं। पिता माता से पूछे बोले तेरे को पढ़ाया लिखाया जन्म दिया भैया, उसी समय में मैंने कैसे पैसा कमाया मेरे को पता, अभी तू कहां से पैसा कमा तू मेरे को पता नहीं। अभी बच्चों से पूछे बोले अभी तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमें लालन पालन करना, बड़े बड़े करके फिर पैसा कैसे कमाएंगे हम पर विचार करेंगे। बोले भैया नारद तो सही बता रहे थे, संसार बड़े स्वार्थी है, हैं? ये संसार तो बड़े मतलबी का संसार, बाबा तो सही बता रहे थे, मेरा तो भ्रम था, लगता है पूरा परिवार बांट करके लेंगे। वापस आया बोले बाबा सही बता रहे हैं, बताओ मैंने बहुत पाप कर्म किया, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो बोले बोलो राम, बोलो बोलो बोलो, अभी भी कुछ बोल लो इतने बोला। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं, कहते मेरे नाम को कौन ले सकता है? बोले जनई पूर्व सत जन्म वासुदेव समर चरण तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम ले सकता है जो पहले जीवन में 100 जन्म तक जिसने मेरी सेवा पूजा की 100 जन्म तक, तब भी वही व्यक्ति इसी जीवन में भगवान का नाम तो वही ले सकता है। इसलिए इसी जीवन में हम जो माला लेकर हरिनाम कर रहे हो ना, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं हम लोगों ने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म हम लोगों ने ठाकुर को सेवा पूजा की है, तभी इसी जीवन में ये माला लेकर के हरिनाम कर रहे हो, नहीं तो मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगी। देखना 4-5 माताएं बैठ जाए, उसकी बहू ऐसे थी, उसकी सास ने ऐसे थी, उसको घर में लड़ाई हो रही, देखना सारा दुनिया की बात बटे था। लेकिन बोलो थोड़ी सी हरिनाम करो, बे समय का है, समय का हमारे पास में, क्यों? वो पापी है, वो पापियों को मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकलेगा, इसलिए उसको मुंह से राम ही नहीं निकला। तो बोले भैया तू बोलता था मारो मारो, इसलिए मरा मरा तो बोल सकते हो? बोला हाँ ये तो बोल सकता हूँ, इसलिए देखो आप लोग बोलो मरा मरा, सबके सब बोलो जोर से, मरा ही होगा ही नहीं, मरा मरा अपने आप राम राम हो जाता है। इसलिए बोले उल्टा नाम जप कर जगह जाना और बाल में भय ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करहर सुमन मन माई। दसु रत्ना कर जैसे बड़ा राम करते करते क्या बन गए? राम राम करके अब लोग लवकुश देखे होंगे, ये लवकुश कह रहे हैं भगवान राम को। बोले हमारे गुरुजी वाल्मीकि जी अब आने से पहले आपकी सारे लीला को दर्शन कर चुके हैं, पहले से ही उन्होंने आपका चरित्र को लिखा है और हम लोग को पढ़ाया, हम सर्वत्र आपकी गुण गाते हैं, हैं आपकी महिमा गाते हैं। भगवान राम बोले हम लोग को भी सुनाओगे? बोले हाँ बोलो बता आपको भी सुना देंगे। इसलिए भगवान राम स्वयं राम की कथा प्रभु राम को सामने लपकू सुना, इतने बड़े विद्वान हो गए लपकू। इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवान के नाम को जप करो, अरे अंतिम समय में यही नाम ही हमारी काम में आएगी। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामायण को लिखे,
दूसरे चेले कौन हुए? श्री व्यास थे। हम आगे सुनेंगे जिन्होंने हमारी सनातन धर्म का जो भागवत है, जिसने उन्होंने ये भागवत ग्रंथ रचना की, ये नारद की कृपा से ही ये दो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। बोले श्री नारद बाबा की। भगवान की जो चौथा बता रहे, ठाकुर जी नर नारायण जिस स्वरूप में आए और बद्री का आश्रम पर ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। बोले भैया तपस्या तो हमें करनी चाहिए, पर ये ठाकुर जी क्यों तपस्या कर रहे हैं? भगवान को देखा कलयुग का जीव तपस्या नहीं कर सकते, बोले इनकी हो करके मैं तपस्या करता हूँ बद्री का आश्रम पर। अब भगवान का वरदान है, अगर कोई बद्री का धाम में कोई जाए, एक बार केवल मेरा दर्शन कर ले, मेरा दर्शन मात्र से ही मैं जो भजन कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, अपनी आप उसका छठवां भाग का फल जो दर्शन करेगा उसको अपनी आप मिल जाएगी। इतने महिमा बद्रीनाथ जाने का। कोई गए हो बद्रीनाथ? कौन कौन गए? एक दो व्यक्ति। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम बड़े भाग्य हैं जो भारत में जन्म हुए हैं। पृथ्वी नहीं, हमारी भारत भूमि ऐसे पुण्य भूमि है जहाँ पर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, द्वारावती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, कहाँ पर? भारत में। गंगा, जमुना, सरस्वती कहाँ पर है? भारत में, और कहीं नहीं है। इसलिए आप भागवत पढ़ करके देखो, देवता लोग भी ये भारत में, ये सनातन धर्म में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। आप सबके एक बार हम ले जाएंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। कौन जाएगा? हाथ उठाओ। बाबा यहाँ के तो भक्त अच्छे हैं सबके सब, ठीक है। आप सब एक बार हम दर्शन करा लेते, ठीक है। एक बार हमारे कुछ भक्त लोग बोल रहे थे, ध्यान देकर सुनो, बद्रीनाथ में भागवत कथा कराने के लिए, क्योंकि व्यास देव ने वहीं पर बैठ करके ना ये भागवत ग्रंथ रचना की। शास्त्र में कहता है अगर कोई बद्रीनाथ में ये भागवत कथा सुने ना, उसको हजार गुण फल मिलता है जो बद्रीनाथ में ये भागवत कथा सुनते हैं। हजार गुण फल मिलता है। इसलिए एक बार सबको ले जाएंगे और वहीं पर भागवत कथा होगी और वहीं पर सबके सब साथ में रह करके सुनना, और अलकानंदा गंगा में रोज रोज वहां पर स्नान करना, और वहां पर तप्त कुंड है, तप्त कुंड वहां पर है, अपने आप गर्भ पर निकलता है, वहां पर स्नान करना, बस वहीं पर सात दिन तक आनंद लेना। बोले श्रीमद् भागवत कथा इसलिए ये भगवान की ये चौथा बता रहे। ऐसे उन्होंने मत्स्य, कुर्मा, बराहर, नृसिंह, ब्राह्मण, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, उन्होंने ऐसे सारे अवतार को वर्णना किया। वर्णना करते करते उन्होंने बीच में बोल दिए ये बांके बिहारी कृष्ण भी भगवान एक अवतार है। इसको बोल करके सुतो गोस्वामी तो डर गए, बोले क्यों? बोले ये जो कृष्ण है ये अवतार नहीं है। फिर भगवान कृष्ण कौन है? ये अवतारी। अवतारी का मतलब है जिनसे सारे अवतार आते हैं, ये कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गो ब्रजो कसम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म और सनातन। बोले अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारण का जो मूल कारण है ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। इसलिए उन्होंने किया कि कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक बनाए, बोले एते चांद सकला पुंस कृष्ण स्तो भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुल लोकम बृहयन्ति। यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे मानो यहाँ पर कोई फेस्टिवल हो रहा है, अपने जोगी को भी निमंत्रण किया। अभी जोगी कौन है? मुख्यमंत्री है ना, जोगी को भी आपने निमंत्रण दिया फेस्टिवल में आने के लिए। सब लोग आकर के वहां भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला बीच में जोगी भी आया और बीच में बैठ गया। साधारण लोग का बीच में
लेकिन जब आप नजर पड़ जाए जोगी हमारे मुख्यमंत्री क्या है, फिर आप क्या करोगे? जोगी को लेकर के अलग आसन दो, बोले भैया आप यहाँ नहीं, आप यहाँ पर बैठो, उच्च आसन देकर के बैठा होगे। इस उसी तरह जब सुतो गोस्वामी ने भगवान के सारे अवतार को वर्णना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का नाम ले लिया डर गए, बोले भगवान बाकी भी है, तो भी बोल दिया ये भी अवतार है, इसलिए उन्होंने सबको सामने रत्न सिंहासन लाए और बांके बिहारी को सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है। बैठा करके बोले देखो अभी तक मैंने जितने मत्स्य कुर्मा बरहर नाम लिया है, ये कोई बांके बिहारी का अंश अंश का अंश कला है, लेकिन ये जो बांके बिहारी कृष्ण है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र। स्वयं मतलब क्या होता है, बोले जद रूपम स्वयं रूपम सौचते, जो किसी के बिना मदद के जो परिपूर्ण है। उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक संख्या, जब आप एक बोलते हो ना वो किसी संख्या का मदद नहीं लेता है, लेकिन जब दो बोलते हो एक एक मिल करके दो होगा, जब तीन बोलेंगे दो एक मिल करके तीन होगा, जब चार ही बोलेंगे तीन एक नहीं तो दो दो मिलकर के चार ही होगा, लेकिन जब एक बोलो देखना वो किसी संख्या की मदद लिए बगैर स्वयं पूर्ण है। इसलिए जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है, बिना किसी के मदद लेते हुए जो परिपूर्ण है। इसलिए कृष्ण गीता ने अपना विराट रूप दिखाया है, और जो देख मैं कौन हूं, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है। इसलिए कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री बांके बिहारी की जय, जय प्रभु जी की जय, ब्रजराज ब्रजराज ब्रजराज। प्रभु जी आपके भजन सुनाएंगे, ब्रजराज ब्रज बिहारी, फटाफट सुना ले। Thank you.
Hey, 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 hey.
यहाँ पर मुझसे कहते हैं
Oh,
कहते बड़े आश्चर्य की बात है, कहते श्री परीक्षित महाराज उसी समय में संपूर्ण विश्व में राजत्व कर रहे थे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, अगर किसको कोई छोटी मोटी काम हो उनको बोलो भैया भागवत कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ, बोले हमारे पास में समय नहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन उन्होंने संपूर्ण विश्व का राजा होते हुए भी उनने सात सात दिन तक कथा कैसे सुने। दूसरी आश्चर्य की बात है, सुखदेव गोस्वामी परम महापुरुष है, एक स्थान पर उतना समय तक टिकते थे, एक गैया को दोहन करने के लिए जितने समय उससे ज्यादा कभी टिकते नहीं। और जिन्होंने 16 साल तक मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं किया, जैसे अभी हम कथा सुन रहे ना, उसी समय में ऐसे कथा नहीं हुई है। दिन रात उठ करके 7 दिन तक कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, भोजन नहीं करना, सोना नहीं, उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने ऐसे कथा सुनाई। तभी तो रथ आया वैकुंठ से, तभी तो उन्होंने भगवान के पास में गए ना। बड़े आश्चर्य के बाद आप कृपा करके बताओ, मैंने जो पूछा और नहीं पूछा ये सारे प्रश्न का उत्तर आप कृपा करके दो। तब से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते द्वितीय युग पर जाए, व्यास पराशर उद्योगे तासव्याम कल्याणे। कहते जो व्यास देव थे, कहते उन्होंने व्यास नारायण स्वयं भगवान की सत्यावेश अवतारे और त्रिकाल दृष्टा, उन्होंने अपना भजन को द्वारा देखा है। अभी द्वापर युग अंतिम में, बाद में कलयुग आएगा, कलयुग में धीरे धीरे लोगों का जो बुद्धि है वो ह्रास होती जाएगी, क्योंकि कलयुग में आपको अभी कोई प्योर चीज नहीं मिलता है। पता लिखा होगा ये प्योर घी है, लेकिन प्योर घी जानते हो एक किलो कितना पैसा है, 2200 रुपया थी एक किलो। अगर अपने दूध में से अगर बनाओगे घी तो, लेकिन 5000 रुपया में कहाँ से मिल रहा, वो घी नहीं है, वो घी में सब मिलावट चीज है और हर चीज में हाइब्रिड देकर के बन रहा है। इसलिए कलयुग में आपको कोई चीज प्योर नहीं मिलेगा, इसलिए कलयुग में धीरे 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 परमाई लोग का घटता है। शास्त्र में तो यहाँ तक बताए इतने छोटे छोटे लोग हो जाएंगे, क्योंकि क्योंकि इंटरनेट और स्मार्टफोन आया ना, टीवी आया है, ये जीव को ब्रह्मचर्य पालन करने नहीं देते। पहले तो गुरुकुल में 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करते थे, अभी ब्रह्मचर्य बचपन से ही सब देख रहे स्मार्टफोन उल्टा पुल्टा गति गति चीज, वो कहाँ अपना ब्रह्मचर्य की कहाँ पालन कर सकते, कर ही नहीं सकते कलयुग में। इसलिए ब्रह्मचर्य ही जीवन का शक्ति है, अगर वही चीज नहीं रही तो धीरे धीरे नाटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। कहते बैगन तोड़ने के लिए ना उनका हिम्मत नहीं रहेगा, बैगन भी तोड़ नहीं सकते, साथ में बताया है। इसलिए और कलयुग में बुद्धि ह्रास होते जाएगा। आप किसी बच्चे को बोलो जाओ दुकान से 4-5 चीज अगर बोल दो लेकर के आओ, बल्कि याद नहीं रहेगा कि पर्ची बना दी माता जी, भूल नहीं जाऊं है, भूल नहीं जाऊं। कलयुग का ये स्थितियों को देख करके व्यास देव जी, पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर देखा कलयुग में लोग वेद को भी पहचानना बड़ा कठिन है, फिर उन्होंने उपनिषद बनाया, फिर उन्होंने देखा ये भी कठिन, फिर ब्रह्म सूत्र बनाया, बोले ये भी कठिन, तब उन्होंने 18 पुराण 17 पुराण बनाया। लेकिन देखा स्त्री और शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, उन्होंने पंचम वेद महाभारत बनाया। लेकिन इतना ग्रंथ बनाने का बावजूद भी मन में शांति नहीं, सुख नहीं। एक दिन सरस्वती किनारे में बैठे हुए थे, नारद जी वीणा बजाते बजाते वहीं पर प्रकट हुए, बोले व्यास लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले गुरु जी आप सही नस पकड़ लिए, आप गुरु है ना, गुरु मतलब क्या, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधक, हमारे हृदय की अज्ञान को जो दूर करके जो दिव्य आलोक को संचार करेंगे वो गुरु जी का काम है। बोले गुरु जी मैंने तो इतना ग्रंथ बनाया लेकिन मेरी कोई शांति नहीं मिल रहा है,
फिर लोगों को ये सब ग्रंथ पढ़कर शांति कहाँ से मिलेगी? आप ही बताओ उसमें कमी क्या है। तब नारद जी कहते हैं, बोले यथा धर्म दर्शार्था मुनि बज्जाय नो कीर्तितम् न तथा वासुदेवस्य महिमा जिनु वर्णित। बोले दूसरे दूसरे बात तुमने पुराण में जो बताया ना, धर्म कैसे करे, अर्थ कैसे कमाए, पुण्य कैसे करे, स्वर्ग कैसे जाए, फिर वहां से पतन हो, ये बात तो बड़ी बढ़ा चढ़ा करके तुमने दुनियादारी की बात बता दिया, लेकिन जो असली बात है ना वो असली बात ही नहीं बताया। बोले असली बात क्या है? बोले ये जीव है कौन? तो जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान की संतान, ठाकुर की बच्चे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या? बोले ठाकुर को प्रेम करना, ठाकुर को सेवा करना, यही जीव का कर्तव्य है। हैं जगत में और इतने कर्तव्य, वो कर्तव्य नहीं, ये तुम्हारी धर्म नहीं, वो कर्तव्य। असली जो जीव का धर्म है भगवान की भक्ति करना। इसलिए अभी तुम ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ वर्णना करो। देखो व्यास देव, जितने अलंकार क्यों नहीं हो ग्रंथ में, जितने अलंकार अनुप्रास हो, लेकिन उसमें ठाकुर जी की कथा नहीं। ये संत कैसे हैं? वो हंस नहीं, ये परमहंस है, जो कि मानस सरोवर में कमल का मधुपान करने वाले संत हैं। उनको तो अच्छी लगती है ठाकुर की कथा है। अगर टूटी फूटी बात हो लेकिन उसमें ठाकुर जी की कथा हो ना, संत लोग बड़े आदर से सुनते हैं। जितने बढ़िया बढ़िया अलंकार हो लेकिन ठाकुर की बात ही नहीं, तब संतों को अच्छी नहीं लगती है। और भक्ति ऐसे की चीज है, अगर भक्ति करते करते अगर बीच में इसका पतन भी हो गया ना, उसमें कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं। अगली जीवन में कितना दीन दीन बढ़त सवार पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति में कभी जीव की पतन नहीं होता है। अभी तुम दीन खोल के भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, उनके अवतारों की, उनके संतों की कथा को सुनाओ, आत्मा को शांति मिलेगी। तब श्री नारद जी ने अपना कथा सुनाई। बोले कैसे मैं एक दासी पुत्र रूप में जन्म लिया था, हमारी गांव में कभी संत लोग आए हैं, संत आते ही वहां पर तो पूरी हलवा सब्जी बनना शुरू हो गया। मैं एक गरीब घर में जन्म लिया था, मेरी मैया ने देखा अगर संतों की थोड़ी बहुत सेवा करो मुझे भी खाना मिल जाएगा, मेरे बच्चों को भी भोजन मिलेगा। इसी भाव से मेरी मैया संतों की सेवा की। अभी मैया जो करेगा बेटा तो वही करेगा ना, इसलिए पहला गुरु कौन है? माँ और पिता पहला गुरु है। सबसे पहला जो संस्कार है वो माँ से पड़ता है। माँ जो करेगी बच्चा वही करेगा। अब देखना ना, अब माला लेकर जब करना शुरू करो, अगर तुम्हारा छोटा बच्चा होगा ना ऐसे ऐसे देखकर मैया क्या कर रही है, तब कोई बच्चा तो छीन करके वो भी बैठ कर भजन करना शुरू कर देता है। क्यों? माँ भजन कर रही है, पिताजी भजन कर रहे हैं। सबसे पहला संस्कार पिता माँ से पड़ता है, इसलिए पिता माता को पहले संस्कार होनी चाहिए। इसलिए अभी मैया संतों की सेवा कर रहे हैं, बच्चा भी संतों की सेवा करेगा, वो भी संतों की सेवा की। एक दिन संत लोग बोलते थे बेटा जा बेटा ठाकुर के लिए फूल ले आओ, फूल ले आते, ठाकुर के लिए सुंदर माला बना दो, माला बना दे। बोलते सब चंदन घीच दो, चंदन घीचते थे। इसलिए नारद जी कहते हैं जब संत लोग बैठ करके हरि कीर्तन हरि चर्चा करते थे, बच्चों का स्वभाव किया चंचल खेलना, लेकिन मैंने अपना चंचलता को छोड़ करके संतों को पास में बैठ कर कथा सुनता था। और 5 साल का बच्चा अगर बैठ करके संतों सेवा करे, अगर कथा सुने, क्या होगा? बोले यद्यपि संत समदर्शी है लेकिन मेरी भावना को देख करके संतों की अपने आप कृपा होने लगी, अपने आप मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई। मैंने एक दिन संत से सुना, वो कह रहे थे अगर किसको भगवत भक्ति जल्दी से जल्दी पाना है, वो 3 चीज सबसे जल्दी से जल्दी भक्ति देने वाली। बोले वो 3 चीज क्या है, आप भी ध्यान देकर सुनो। पहला चीज ये संतों की अधरामृत प्रसाद, दूसरे चीज ये संतों की चरणामृत, तीसरा चीज ये भक्तों का चरण धूल। ये 3 चीज जितने जल्दी से जल्दी भक्ति देने वाले
जगत में और कोई चीज इतनी जल्दी भक्ति देने वाली नहीं। एक दिन संतों ने अपना प्रसाद पा करके पतल में तो प्रसाद छोड़कर गए। संतों की आशीर्वाद से मैंने एक बार केवल संतों की प्रसाद ली। श्री नारद जी कहते व्यास मैं तुमको सही सही बता रहा हूँ, संतों की प्रसाद में कितने शक्ति हमने देख लिया। एक बार प्रसाद लेते ही मेरे हृदय साफ हो गया, ठाकुर जी का अनुभूति होने लग गया। और संतों ने चार मास समाप्त होते ही संत लोग अभी चलना शुरू कर दी। मैंने कहा भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, क्योंकि जो संतों का जीवन बड़े पवित्र जीवन है। हर समय संत क्या करते हैं, ठाकुर का कीर्तन, ठाकुर का नाम भजन है। इसलिए बोले वैष्णव संगत मन आनंदित और क्या, संतों को साथ में रहो आनंद ही आनंद। क्यों, हरी चर्चा हरी कीर्तन है। मैंने कहा मेरे को भी साथ में ले चलो, मैं भी आपको साथ में जाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने मैया की एक लोक का संतान था, मैया मेरे को जाने नहीं दी। संत जाते समय मेरे को मंत्र दे करके बोले बेटा ये मंत्र को तू जप करते रहना। कुछ दिन बाद में मेरी मैया शाम का समय में गोद दोहन करने के लिए गई और एक जहरीले सर्प ऊपर तैयार करते ही वो सर्प ने मैया को काट दी। और मैया तो वहीं पर प्राण त्याग कर दी। किसने आकर बोले नारद जी तेरी मैया तो प्राण त्याग कर दिया। मैंने देखा अभी मेरे को कोई रोकने वाले नहीं, अभी तो मैं निश्चिंत होकर के भजन कर सकता हूँ। मैंने भजन करने के लिए चल पड़ा, लेकिन भगवान बड़े परीक्षा भी लेते हैं। जब मैंने थोड़ी दूर गया देखा एक सेठ और सेठानी जिनके घर में संतान थी नहीं, लेकिन अथाह संपत्ति की मालिक। मैंने देखा 5 साल का, देखने में बड़ा सुंदर था। मेरे को अकेले देख करके बोले बेटा एक बार हमारी गोद में बैठ करके माँ बोल दे, हमें हमें पिता बोल दे, सारी संपत्ति का मालिक तू बन जाओगे। मैंने कहा मैं बैठूंगा तो ठाकुर की गोद में बैठूंगा, ये दुनिया की किसी व्यक्ति की गोद में बैठने वाले नहीं। तो उसकी मोह भी मैंने परित्याग की। लेकिन और थोड़ी दूर गया, एक देश में राजा ने हाथी सोने की कलसी लेकर घूम रहा था, जिसके सर पर वो पानी डालेगा वही राजा बनेगा। वो पानी लाकर मेरे ही सर पर डाल दिया, सारा दुनिया तो मेरे को पकड़ करके बोले हमारे देश का राजा मिल गया। कितना जा पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब कोई। मैंने कहा भैया हम राजा प्रजा कुछ नहीं बनते, हम तो ठाकुर जी की भजन करने के लिए निकला है। और थोड़ी दूर गया तो देखा सोने की खान, ठाकुर सब परीक्षा कर रहे थे, लेकिन उसकी मोह भी मैंने परित्याग की। और घोर जंगल में प्रवेश करते हुए देखा बड़ा सुंदर सरोवर, जहाँ चार तरह का कमल फूल खिले हुए। मैंने पेट भर करके पानी को पिया और संतों ने जो मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय शंकर प्रद्युम्न अनिरुद्धाय बोल करके जो मंत्र दिए थे, मैं वहीं पर बैठ करके मंत्र को जप किया। मंत्र जप करते 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 मेरे हृदय धीरे 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 निर्मल होने लग गया। जब हृदय मेरे निर्मल हो गई, इतने में ठाकुर जी का मैंने एक झांकी में दर्शन किया। ठाकुर जी इतने सुंदर थे जिसको कहते भावावस्था है। जब हृदय निर्मल हो जाए ना, कभी कभी ठाकुर जी की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलती है, कभी कभी ठाकुर जी के चरण के टुकुर की छमछम कभी सुनने को मिलती है, कभी कभी ठाकुर जी स्पर्श करते हैं रोंगटे खड़े हो जाती है, कभी कभी ठाकुर जी अपना अधरा मृत मिलाते हैं। मैं जब ठाकुर का एक दर्शन की, इतने आनंद मेरे को मिला, इतने आनंद मेरे को मिला, आंखों का आंसुओं से मैं आग भर आया। लेकिन ठाकुर जी एक झलक दर्शन दिए, लेकिन ठाकुर का अंतर ध्यान हो गए। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कई कोई धूप से आ रहे हैं, एकदम तपे हुए धूप, प्यास का मारे छाती फट रहा है, इसने अगर एक ग्लास जूस ले करके एक घूंट पिला करके और निकाल दे, क्या बोलोगे? बोले भैया पिलाना नहीं तो पिलाते नहीं, एक घूंट क्यों पिलाए। उसी तरह ठाकुर का दर्शन करके इतने आनंद हुआ, लेकिन जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए,
मैं धोने लग गया। बोले ठाकुर जी क्यों ऐसे किया हो? आकाश वाणी हुई, बोले अभिपत को कसायाना दुर्दशा। बोले हे नारद, अभी तुम्हारे हृदय में कुछ अनर्थ है, कुछ कामनाएं हैं, अभी तक पूरी रूप में तुम्हारे हृदय निर्बल नहीं हुआ। जब तक हृदय संपूर्ण निर्बल नहीं हो जाता है, काम क्रोध अनर्थ से मेरा दर्शन नहीं होता है। हाँ, इसलिए तुमको एक झलक दर्शन दिया तुम्हारे भाव को बढ़ाने के लिए। फिर अगली जीवन में फिर मेरी दर्शन अगली जीवन में होगा। मैंने फिर दूसरी जीवन में ब्रह्मा की मानस पुत्र बन करके आए और मैंने गिरिराज की तलेटी में गिरिराज के आश्रय लेते हुए मैंने जो भजन की, स्वयं भगवान अपना दिव्य रासों में श्री जुगल सरकार मेरे को दर्शन हुआ है। बोले श्री जुगल सरकार की। इतने में राधा रानी प्रसन्न होकर के अपना प्रसाद वीणा मुझे प्रदान की। जब जब मैंने ये वीणा में ठाकुर का नाम लेता हूँ, ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आकर के मुझे दर्शन देते हैं। और जहाँ चाहता हूँ, नारद जी की के लिए कोई विमान की जरूरत नहीं। जैसे हम यहाँ पर बैठे और अमेरिका को याद करें, ये मन जितने जल्दी गति करता है उनका शरीर भी उतना जल्दी गति करती है। अरे जहाँ चाहता हूँ, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, अयोध्या में, जहाँ चाहता हूँ सर्वत्र भ्रमण करता हूँ और ठाकुर का कीर्तन करता हूँ और मस्त में आनंद लेता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए नारद जी बोले व्यास देव, अगर तुम मन को शांति पाना चाहते हो, एक काम करो, तुम ये भागवत ग्रंथ रचना करो, इसी से ही शांति मिलेगी। देखो क्यों ये भागवत कथा कितने प्रचलित है, कारण क्या है? ये स्वयं कहते हैं जितने ग्रंथ श्री व्यास देव जी ने लिखे, लेकिन जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ लिखे ना, तब आत्मा को पूर्ण शांति मिली। आप लोग देख लीजिएगा, 7 दिन तक कथा सुनेंगे, शांति मिलती कि नहीं कथा में? अब बताओ मन को शांति मिलती कि नहीं? तभी तो सब छोड़ कर दिया कथा सुनने के लिए आते हैं ना। इसलिए भैया भगवान की कथा में बड़े शांति, बड़े आनंद भगवान की कथा में मिलती है। अभी जब व्यास देव जी बोले भक्ति जोगेन सम्यक प्रणीत बले अपस्यं पुरुषं पूर्णं मायाच तत अपाश्रयम्। जब उन्होंने भक्ति योग समाधि को जरा समाधि करके संपूर्ण गोलोक वृंदावन को उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना की। बोले भैया ग्रंथ तो बड़े सुंदर बन गया, लेकिन ये ग्रंथ को हम पढ़ाए किसको? जिस सुखदेव के लिए मैंने बनाया था वो तो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी बन करके चला गया। अभी व्यास देव का 4 चेले थे, चलो मेरा जो शिष्य था, मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया। बोले वो तोते को ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमें कैसे पता चलेगा आपका तोता कौन है? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैंने तुम 4 चेलों को 4 मंत्र सिखा देता हूँ। ये मंत्र सुन करके जो चेला पकड़ में आ जाएगा ना, समझना मेरा कोई चेला है। इसलिए कैसे श्री व्यास देव को लाए बोलो। हाँ, ये प्रभु जी आपको सुनाएंगे, ये व्यास देव कैसे परम, श्री सुखदेव गोस्वामी कैसे परम ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन उनको कैसे व्यास देव ने लाए और कैसे उनको ये भागवत ग्रंथ पढ़ाए, हमारे प्रभु जी आपको उसी विषय पर सुनाएंगे। श्री ध्रुव महाराज भी भजन करेंगे, भगवान नारायण जी भी प्रकट होने वाले। बोलो बोलो। ओम अज्ञान तिमिरान्वश्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। मांसाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद।
सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे परम गुरुदेव नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद आप सभी कथा श्रवण करे माताएं प्रभु जी सबके चरणों में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार नारद जी आगे इस वेद व्यास जी को सरस्वती नदी के तट पे बद्रीनाथ धाम में जब आज भी उस स्थल पर उपस्थित थे जहाँ पे व्यास जी ने भागवत रचना किया, वहाँ पे उनको अपने पूर्व जन्म के चरित्र के माध्यम से विशेष करके शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि आप भगवान के गुणगान को वर्णन करो। अब श्री व्यास जी ने तो विशेष करके वहाँ पे भागवत जी के जैसे ही रचना कर लिया, अब इस रचना का जो महिमा का जो मंगलाचरण में बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है ये परम निर्मल सरनाम सताम क्या है ना, ये ग्रंथ बड़े बड़े विद्वानों के लिए परम निर्मल शरण व्यक्तियों के लिए है। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि भैया मैंने तो भागवत ग्रंथ रचना कर लिया, अब इसको पढ़ने के लिए भी तो कोई उपयुक्त होना चाहिए। तो इनके मन में आया मेरे एक पुत्र था, कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार व्यास जी जैसे ही बोलते हैं कि कृपा करके हे पुत्र तुम माता को कष्ट मत दो, माता के गर्भ से बाहर आ जाओ, तब भगवान ने जैसे ही माया को हटाया तब वहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हो जाते हैं। बोल सुखदेव गोस्वामी जी की, प्रकट होते ही बन के और चले गए, परिव्राजक हो गए, ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गए। ये वही भगवान, भगवान कुछ नहीं, वो तो ब्रह्म में लीन होके चले गए थे। अब ये सोच रहे हैं व्यास जी कि कैसे करके अगर इनको पुनः ले आया जाए तो इनका क्या होगा, हाँ धीरे धीरे इनको ही मैं सिखाऊंगा, क्योंकि वही उत्तम पात्र हैं जो इस चीज को समझ सकते हैं। तब उन्होंने अपने चार शिष्य को बुलाया और बोलते हैं कि देखो भैया मेरे तोता खो गया है। बोले गुरु जी जंगल में तो बहुत सारी तोता है, कैसे पहचानने आएगा कि आपके तोता कौन सा है। बोले देखना मैं तुम्हें चार मंत्र पढ़ा रहा हूँ, इस चार मंत्र को तुम जंगल में जब भी जाओ समीधा चयन करो, फूल फल चयन करो, कुछ भी करो तो ये मंत्र को गुनगुनाते रहना। देखना इस मंत्र को सुनकर जो तोता अपने आप पकड़ में आ जाए जान लेना ये मेरा तोता है। बोले जो आ गया गुरुदेव। तब व्यास जी ने चार मंत्र अपने चार शिष्य को विशेष रूप से शिक्षा दे दिया। अब चार शिष्य जंगल में चले गए और चार मंत्र, पहले शिष्य ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, बोले बराहा पीरन नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रजवास कनक कपिनयं वैजयंती शमालं रंगान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य शपद रमणं प्राविशाष्ट गीत कीर्ति वृंदारण्य शपद क्या बता रहे हैं कि कृष्ण की किस प्रकार सुंदरता है, कृष्ण कैसे सुंदर दिखते हैं, इसका महिमा को वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि देखो गोपियां जिस समय कृष्ण वन में गोचारण करने जा रहे हैं तब गोपियां ये वेणु गीत में इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण के मधुरता को, कृष्ण की सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं कि बराहा पीरम नटवर बपुः, ठाकुर जी के जो मुकुट है बड़े सुंदर मुकुट है और उसमें भी यशोमती मैया ने बड़े सुंदर ठाकुर जी को जुड़ा लगा दिया है, एक तरफ मुकुट लगा दिया है और उसके अंदर एक मोर पंख लगा दिया है और कुछ फूल के माला ठाकुर जी के कान के तरफ लगा दिया है, सुंदर तरीके से सुशोभित हो रहे हैं और
मैं तो बोला बापू, तो टीकाकार बता रहे हैं कि इनके जो स्वरूप है देखना, कृष्ण जी कहते कन्हैया कहते हैं राम जी को देखो सीधे साधे मिलेंगे, कन्हैया त्रिभंग कलेज सुंदर, चारों तरफ उनके जैसे नृत्य करते हुए शरीर मानो कोई मयूर नृत्य कर रहा है, इस प्रकार कृष्ण के स्वरूप हैं। और जैसे कृष्ण के कुंडल है मानो वो कुंडल कृष्ण के कपोल को बार बार चुंबन कर रहा है, काले मेघ के जैसे स्वरूप में मानो वहाँ पे बिजली चमक रही हो, तो इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। और गले में क्या धारण किए हैं, गले में धारण कर रखे हैं वैजयंती माला। वैजयंती माला क्या जानते हो, बोल रहे हैं पांच प्रकार के फूल माला जो गले से लेके चरणों तक छू रहा है वो माला को बोलते हैं वैजयंती माला। कुंड मल्ली चंपक पुष्प इतना सुगंधित पुष्प जिसको बड़े सुंदर से वो प्रस्तुत किया गया है और गले से लेके ठाकुर जी के चरण को छू रहा है और गले में वैजयंती माला है। और कहते ना सखाओं के साथ जैसे ही कृष्ण गोचरण करने के लिए जा रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, अपने कीर्ति को सुना रहे हैं। सखा लोग कह रहे हैं अरे सुन रहे हो, लाला ने छह दिन में ही पूतना को मार दिया, अरे सुन रहे हो सत्तासुर को तो कैसे ही ऐसे लात मारा कि सत्तासुर सकड़ ही टूट गया, अरे सुन रहे हो कृष्ण तो ऊपर भी घूम घाम करके आ गए चुनावर्त के द्वारा, अरे सुन रहे हो कृष्ण ने बकासुर के वध किया, अरे सुन रहे हो कृष्ण ने अघासुर के वध किया, अरे जानते हो कृष्ण ने चोरी कर रही थी पकड़ा गया। तो इस प्रकार कृष्ण के सुंदर सुंदर लीला को सखावन वर्णन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत कीर्त कीर्ति, ये वृंदावन साधारण नहीं है, ये वृंदावन धूल को स्वयं शिव जी ब्रह्मा गरुड़ हनुमान सब लोग स्तुति करते हैं। वहाँ पे ठाकुर जी स्वपदरमणम जूते चप्पल नहीं स्वपद में रमन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ना सुंदर सुंदर अपने बंसी के सेवा करते हुए बंसी के वादन करते हुए सारे गोपी को मन को मोहित कर रहे हैं। तो ये जब पहले श्लोक को सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी तो जंगल में ही भजन कर रहे थे, ब्रह्म ज्ञान में लीन हो चुके थे, ब्रह्म को ध्यान कर रहे थे। जैसे ही पहले श्लोक को सुने ये उड़ के आ गए, बोले भाई बताओ इस इतने सुंदर व्यक्ति हो, इसका मोर मुकुट हो, इतना सुंदर कलेवर हो, वैजयंती माला है, बांसुरी धारण करते हैं, अब सुंदर होने से थोड़ी ना चलेगा, उनका नाम भी तो कुछ होना चाहिए, नाम भी ऐसा नहीं बोलने की नाम तो इधर उधर हो गया तो उनका घर भी तो वहीं होना चाहिए, उनका पिता माता का क्या परिचय है। तब दूसरे शिष्य ने दूसरे श्लोक पर दिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले साधारण नहीं है, इनके पिता कौन है, बोले नंद बाबा, और नंद बाबा राजा है, 9 लाख गैया है इनके पास और पूरा ब्रजवासी इनके सलाह लेते हैं, और इनके मैया बोले यशोमती मैया है जो सबको यश प्रदान करते हैं, वो यशोदा हैं, सबके सुख दुख में जो साथ रहते हैं, सबके जो हितकारी करते हैं वो यशोमती मैया है, और इनके भैया भी बड़े दाऊ दयाल है, और इनके परिकर भी बड़े बड़े अद्भुत परिकर हैं, और इनका नाम क्या है ना गोविंदाय नमो नमः, इनका नाम भी गोविंद है, भैया गो मतलब इंद्रिय, गो मतलब गोपी, गो मतलब बाल बाल, गो मतलब गैया, इन सबको जो आनंद प्रदान करते हैं वो है श्री भगवान गोविंद, और गोविंद भगवान की। अब यहाँ पे जैसे दूसरे बात को सुनते हैं मानो हम कोई किसी लड़की के लिए हम दूल्हा ठीक करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं लड़का सुंदर है कि नहीं, फिर लड़का का घर बार देखते अच्छे हैं कि नहीं, हाँ देखते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद क्या देखते हैं लड़का कहाँ रहता है, लड़का का घर भी तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं शादी हो गया और पेड़ के नीचे आके रह गए रास्ते में आ गए, बोले इसका घर कैसा है, तो इसका जो घर के बारे में मतलब वर्णन करते हुए तीसरा श्लोक में तीसरे शिष्य ने पढ़ दिया गुनगुना दिया, बोले क्या गुनगुनाया, इनका घर कहाँ है, ये गोपियाँ ये गोपी गीत में कहते हैं, बोले जय जिते जान मना
ये गोपियां कह रहे इनका घर कहाँ है, जन्म ना ब्रज, ये वृंदावन धाम में इनका जन्म हुआ है। भैया वृंदावन फिर कैसा है, तो ब्रह्मा स्तुति करते हैं, देखो वृंदावन साधारण नहीं है, इस वृंदावन को प्राप्त करने के लिए नारद बने नारद कुंड, शिव जी बने गोपी, उद्धव बने घास, और लक्ष्मी अभी भी तपस्या कर रहे हैं देववन में। इतना वृंदावन की महिमा है, देवता गण भी यहाँ के धूल बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के जितने भी स्मृति और जितने भी वेद पुराण है ये सब गोरूप धारण करके वृंदावन में ठाकुर जी के लीला में सहयोग करते हैं। इसलिए वृंदावन साधारण नहीं है, जिसको ब्रह्मा स्तुति करते हुए कहते हैं, चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्मा प्रताप सुरभि रभिपालयन्ते लक्ष्मी सहस्र सतत चंद्रमानं सेव्यमानं स्मरामि गोविंद माति पुरुषं तमहं भजामि। यहाँ पे इनका ब्रजधाम का एक एक धूल चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि समझ में आ रहा है, जिसको जो मांगो चिंता करते ही जिस समय जो मन में आया सोच लिया तो वो दक्षिणा वो चीज वो प्रदान कर देंगे। ऐसा धाम दिव्य धाम है हो, और जहाँ पे लक्ष्मी सहस्र, एक लक्ष्मी की बात नहीं, हम एक लक्ष्मी को संतुष्ट करते हैं, पूजा करते हैं लक्ष्मी जी को, बोले एक लक्ष्मी की क्या, यहाँ पे हजारों लक्ष्मी, बोले क्या संभ्रम सेव्य मानो संभ्रम भाव से, अर्थात इनको नौकरी नहीं मिलता, बाहर झाड़ू लेके वृंदावन के बाहर झाड़ू लेके सहस्र सहस्र हजार हजार लक्ष्मी खड़े रहते हैं, बोलते हैं प्रभु कभी हमें तो कृपा कर दो ताकि हम आपके वृंदावन धाम पर झाड़ू कर सके। इस प्रकार वृंदावन धाम का महिमा है, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम है। अब तो सुखदेव गोस्वामी को मन में पूरा तत्व दिया गया, भैया नाम भी अच्छा है, गुण भी अच्छा है, गोविंद है, और इनका पिता माता भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, लेकिन सब चीज अच्छे होने पर एक चीज का होना जरूरी है, बताओ क्या चीज। सब चीज हम देखने के बाद एक चीज को क्या देखते हैं, स्वभाव। कि माता जी के लिए ताली बजाओ, फिर माता जी ने बताया बोले स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि शादी कर दिया आगे कहीं पीर बागे जमाई इधर उधर घूम रहे दामन। इसलिए स्वभाव कैसा है तो स्वभाव को कहना ही क्या। तब चौथा शिष्य ने चौथा श्लोक को पढ़ते हुए कहते हैं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंगाशयाय पीयसाद्वि लेभे गतिं नात्विचितो ततन्यं कम्बादयालु शरणं व्रजेम। इनका क्या स्वभाव है, जिस समय पूतना आया था पति, एक शब्द में पति का अर्थ पकासुर का बहन होने के कारण पति, और दूसरे अर्थ है बगुली जैसे स्वरूप। हम कहते ना कि बगुली जैसे ध्यान कर रहे हो, बक कैसे ध्यान करता है, सरोवर के बाहर ध्यान करता है, लेकिन ध्यान व्यान कुछ नहीं करता, जैसे ही मछली सामने आ जाए टप करके मछली को लेकर उड़ जाता है। तो इसके पूतना का जो बाहर स्वरूप तो कितने सुंदर है, हम आगे चल के कथा में श्रवण करेंगे, कितना सुंदर बन के सजरज के आए थी। गोपियां कह रहे थे कि स्वर्ग के अप्सरा कहीं ना आगे, वैकुंठ के लक्ष्मी जैसे सुंदर पूतना। फिर इसके हृदय क्या है, ना कपटी है, हृदय काला है, क्या करने आया था पूतना, पूतना आई थी इसलिए कि ठाकुर जी को विष पान करवा के ठाकुर जी को प्राण ले दे। तो प्रभु आप इस प्रकार पूतना ने जो आपको विष पान करने के संकल्प लेके आया और आपको विष पान भी करवा दिया, कालभूत जहर को आपके मुख में दे दिया, थोड़े भी उसको दया नहीं आया, उसको आपने क्या दिया, ना धातृचित गति, उसको अपने माता की जैसे गति दे दिया प्रभु आपने। तो कम्बा दयालु शरणम भजे मां, आपके जैसा दयालु कौन है इस जगत में, आप ही परम दयालु हो। तब तो सुखदेव गोस्वामी आते हैं, भैया ये श्लोक किसने बताया, अपने आप पकड़ में आ गए। तब चार शिष्य ने बोलते हैं ये श्लोक तो हमारे गुरुदेव बताए, बोले हमें भी ले चलो अपने गुरुदेव के पास। तब सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञान से भगवान की भक्ति की ध्यान करते हुए फिर चार शिष्यों के साथ
कि व्यास जी के पास जाते हैं और व्यास जी महाराज फिर आगे सुखदेव गोस्वामी को इस भागवत संहिता को आगे करके उनको श्रवण करवाते हैं, उनको विशेष करके सिखाते हैं। और भक्तवत्सल भगवान की और सुखदेव गोस्वामी की और प्रेमानंदे ताली बजाओ। बोला वृंदावन बिहारी लाल की आगे जो आपने कथा सुनी है ये भागवत कथा का जो वक्ता है वो साधारण नहीं, जो परम ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन इसका श्रोता कौन? बल परिकी। बोले ये भी साधारण नहीं, जिन्होंने माँ की पेट में रहते समय जिन्होंने ठाकुर को दर्शन किया है और उन्होंने जब जन्म लिया सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित महाराज। बल श्री परीक्षित महाराज की जय। इसलिए कथा ये महाभारत का मोड़ लिया। ध्यान देकर सुनो, कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। बोले क्यों महाभारत हुई, ये चीज को अच्छे तरह से सुन लो। महाभारत होने का दो कारण था। पहला कारण था दुर्योधन ये चाह रहा था कोई संपत्ति पांडवों को नहीं मिलनी चाहिए, सारे संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। पहला नंबर उन्होंने बोला कि बोला पांच गांव देख दो, कृष्ण गए शांति दूत बन करके बोले पांडवों को कुछ जरूरत नहीं, कि बोले पांच गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोले? बोले पांच गांव की बात कहते हो, बगल युद्ध के तो हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए हम तैयार नहीं। इसलिए महाभारत हुई ना, पहला कारण। दूसरा कारण है ये द्रौपदी ने थोड़ी सी जीवा चला दी। मेरे तरफ में देखो, द्रौपदी ने जीवा चलाई, माताएं ध्यान देकर सुनो, ये तुम्हारी ये है। द्रौपदी ने थोड़ी सी जीवा चलाई, क्या बोली? अंधा का बेटा अंधा होता है, इतनी सी बात और कुछ नहीं है। दुर्योधन को इतने क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, तेरे बाप मजा चखाएंगे। भरी सभा में वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश की और इसको देख कर अर्जुन और भीम का बाहु हट होगा। बोले जिस हाथ से तुमने द्रौपदी की वस्त्र को तुमने स्पर्श किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ घोर युद्ध में तेरे हाथ उखाड़ कर फेंकूंगा। दुर्योधन ने क्या बताया? मेरे जंघे के ऊपर में द्रौपदी को बैठाओ। लेकिन भीम ने क्या बताया? बोले जिस जंघे के ऊपर में तुम द्रौपदी को बैठाना चाहते हो और युद्ध में तेरे चंदा को तोड़ दूंगा। इसलिए देखो माताओं को सावधान कराते हैं, भैया जीवा ज्यादा मत चलाए करो, घर में क्यों लड़ाई होता है? कहीं देवर से देवर ने तो सास ससुर को बोल दिया, बस हमने क्या किया, उल्टा पुल्टा थोड़ी सी जीवा चल गया। बहु सास को प्रति, सास नहीं तो बहू को प्रति, नहीं तो ससुर को प्रति थोड़ी सी जीवा, कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ी सी जीवा फिसल गया। देखना घर में भी महाभारत हो जाती है। भैया जीवा को सब सब कंट्रोल करके रखना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, भैया ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, माला लेकर बैठो ना, हरि का नाम जप करो, जितना हो सके भगवान का नाम जप करो ना, अगर ज्यादा बोलने की इच्छा है। ऐसे नहीं बैठी करके बहू बेटियों की निंदा चुगली में जीवन बिताओगी, नहीं, ये जीवन दुर्लभ जीवन मिला ठाकुर जी हैं? ये माला लेकर भगवान की भजन करो। इसलिए यहाँ पर मैया कुंती भी भगवान को स्तुति करती है। बोले क्या स्तुति करती है? बोले प्रभु भगवान बोले मेरे को भर मांगो, लेकिन मैया कुंती क्या बोली? मेरे झोली में तो विपत्ति भर दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया कहते हैं सुख संपत्ति घरे आवे और दुख कष्ट मिटे तन का जय जगदीश है, तुम दुख क्यों मांगती हो? बोले कन्हैया बोले सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो बल बल नाम जपाए। बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। इसलिए यहाँ पर मैया कुंती भगवान से दुख प्रार्थना करती है, दुख नहीं तत्वतः मैया कुंती ये कहती है। बोले ठाकुर जी भले ही तुम जिस अवस्था में रखना रख ले, लेकिन तेरे को जैसे मैं कभी भूलू ना, हर समय तेरा मैं भजन करते रहूं। पितामह भीष्म की भी इच्छा थी
अंतिम समय में ठाकुर को दर्शन करते करते प्राण त्याग हो, ठाकुर उनकी भी इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते हैं। अभी भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। भगवान ब्रह्मा जी को बोले ये सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ। इतने में ब्रह्मा जी उसी समय में अपना परछाई से कर, पहले तो चतुर्सर को सृष्टि की, बोले भगवान का आदेश से संसार का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी ये घर गृहस्थी बड़ा दुखमय है, हम ये घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते। बोले भगवान का आदेश है। बोले नहीं पिताजी माफ कर दो। बोले अगर तुम फंसना नहीं चाहते हो अभिशाप देता हूँ, जैसे जन्मों की जिंदगी भर ऐसे रहो। आप देखना चतुर्सर का उम्र कोई बढ़ती नहीं, 5 साल की जिंदगी भर है। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी वरदान है। बोले क्यों? बोले संसार का सारे बोझ किसको ऊपर में बताओ, बड़े को ऊपर में, छोटे लोग तो मस्ती से खेलते हैं। अभी भगवान इतने में फिर उन्होंने शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी को बोले संसार का क्रम बढ़ाओ, लेकिन शंकर जी योगी योगी महायोगी, वो भी ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते हैं। बोले अगर पिताजी को मना कर दो फिर पिता बिगड़ जाएंगे। बोले ऐसे काम करो पिताजी आप ही आप मना कर दे। फिर उन्होंने जितने भूत पिशाचों को सृष्टि की, ब्रह्मा जी बोले ये सृष्टि ना संधार कर रहे हो, चुप रहो जरूरत नहीं। बोले पिताजी मैं तो यही चाह रहा था। फिर उन्होंने कर्तव्य ऋषि को परछाई से सृष्टि की, 10 संतान। फिर ब्रह्मा जी अपना बाम और डान अंग से, बाम अंग से सतरूपा और डान अंग से मनु महाराज को सृष्टि किया। इसलिए मनु महाराज ने 3 बेटी और 2 बेटे जन्म दिए। बोले 3 बेटी को बोले आतुति देहूति प्रसूति और 2 बेटे को बोले उत्थान पात और प्रिय। इसलिए हम मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हम लोगों को मानव कहलाते हैं। और यही सही, पहले जो सृष्टि होती थी मन से सृष्टि होती थी, लेकिन जो पति पत्नी से जो मिलन से जो सृष्टि हुई ये मनु महाराज से हुई, इसलिए हम लोग को मानव कहलाते हैं। और इसी से ही बढ़ते 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 हम इतने सब के सब इतने बन गए हम सब के सब। बोले श्री मनु महाराज की। इसलिए आज हम लोग कथा सुनेंगे, श्री उत्थान पाद की कथा सुनेंगे, जिनकी 2 पत्नी एक सुनीति और सुरुचि, हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु जी आपको कथा सुनाएंगे उत्थान पाद और प्रिय व्रत। देखो कल है कथा की 4th दिन। कथा की 4th दिन में ठाकुर जी जन्म लेते हैं। कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले, कृष्ण कन्हैया जन्म लेने वाले। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब मैया यशोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रज की गोपियां थी ना, वो 6-6 महीना पहले 84 गर्ज के लहेगा और चुंदरी और बड़े सुंदर अलंकार को बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो पहन करके बधाई देने जाएंगे। इसलिए जितने माताएं बैठे हैं ना, सबके सब 84 गज के लहेगा, शादी का समय के निकालना है। देखो ठाकुर, देखो साधारण कहीं शादी होता है ना, हम कितने सुंदर सज धज करके जाते हैं। कल ठाकुर जी जन्म लेंगे ना, इसलिए कल बढ़िया बढ़िया लहेगा चुंदरी पहन करके। अगर पीला रंग का हो तो बहुत बढ़िया, अगर पीला रंग की हो तो बहुत बढ़िया, कोशिश करना। नहीं तो कोई भी रंग हो लेकिन बढ़िया, ऐसे नहीं जैसे तैसे साड़ी पहन करके आ गए। नहीं, जैसे शादी में सब धज कर जाते हैं ना, है सबके सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा, सिंदूर से निकलना आत्मा से सब खराब हो रहा है, इसे निकाल कर सब धज करके। और जितने भाई लोग, आप लोग तो गोपी भाव से आना, लेकिन भाई लोग गोप भाव से आना। जब भैया जसोदा गर्भ धारण की, जितने गोप लोग 6 महीना पहले बड़े सुंदर बगल बंदी धोती और टोपी बना करके रखे, टोपी मतलब पगड़ी। बोले कान्हा जन्म लेंगे तो हम भी बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल आप जितने पुरुष लोग हैं ना, सबके सब बड़े सुंदर, कम से कम धोती तो हो सकता, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होना सफेद रंग का कुर्ता पैजामा अच्छे तरह कपड़े और पटका खाली, देखो खाली गले में नहीं आनी चाहिए पटका, बहुत बढ़िया सब धज करके आना। कल बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हर बोलो जय कन्हैया, और सब अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर के आना। देखो ये जो कथा है आप लोगों का द्वारा हो रही है,
इसलिए भगवान जन्म लेके अपना घर से कुछ टॉफी, कुछ खिलौना, कुछ चॉकलेट जैसे हम उसमें लुटाते हैं ना, कल उसको लुटाएंगे बधाई रूप में। आप लोग घर से कुछ कुछ लेकर के आए हो, ठीक है। अभी आप लोग कथा सुना, श्री ध्रुव महाराज कैसे नारायण को दर्शन, नारायण कैसे दर्शन दिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानस्य इतने में जो पाप था ठाकुर को पास में आए, बोले ठाकुर मेरे को तो मेरी शान दो। बोले देखो जो ठाकुर का नाम लेगा ना उसको पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन उड़ तो जाएगी लेकिन बैठेगा कहाँ पर। बोले जो हरि का नाम नहीं लेंगे, इसलिए जो लेते हैं और पाप तो उड़ जाएगी लेकिन सारे पाप जो कहाँ पर बैठेगा, जो नाम नहीं लेगा, ठीक है। देखो नाम तो एक बार करोगे, लेकिन यहाँ पर जितने भक्त करके 4 से 5 भक्त लोग बैठे हो, लेकिन नाम तो एक बार लोगे लेकिन 500 बार नाम करने का फल मिलेगा आपको। और हमारे गुरु जी कहते थे जैसे एक पत्थर उठा करके पानी में फेंको, अब देखना पानी में क्या भलहरी आई है। उसी तरह जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, इसकी ध्वनि जितने दूर तक जाएगी, बोले जितने दुख कष्ट है कितना मंगल भवन अमंगल हरि, किसी तरह का दुख कष्ट कहीं नहीं रहेगा। जितने दूर तक भगवान के नाम इसकी प्रतिध्वनि जितना दूर तक जाएगी, इसलिए और एक बार इतने जोर से बोलो जिस छात्र हो जाएगी, ठीक है। जोर से बोलो बोलो हरे की ओर होता है और पैर ऊपर की ओर, इसलिए प्रत्येक जीव की उत्थान पात का स्वरूप है। और
प्रत्येक जीव की दो दो रानियां भी हैं। कौन कौन सी? कि सुरुचि और सुमिति। सुरुचि का क्या अर्थ हुआ? सुरुचि का मतलब है स्वस्थ रुचि, अर्थात शास्त्र में क्या वर्णन है उससे कोई संबंध नहीं। हमारा मन जो चाहता है, हमारी रुचि के अनुकूल जो हो, उस चीज को जो पालन करते हैं, वो हो गए सुरुचि के दास। और सुमिति, सुनीति अर्थात जो शास्त्र नीति, उत्तम नीति, सर्वश्रेष्ठ नीति। इसलिए जगत में आप देखोगे कई तरह की नीति का प्रचलन है। कोई कूट नीति का पालन करता है, कोई चाणक्य नीति का पालन करता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं सर्वश्रेष्ठ नीति है विरुद्ध नीति, विदुर जी की नीति। आपने विदुर जी का नाम सुना होगा, दुर्योधन के मेवा के आगे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के 56 भोग 36 व्यंजन को परित्याग करके ठाकुर जी विदुर जी के घर में आकर और विदुरानी के द्वारा प्रदत्त केले के छिलकों को खा रहे हैं, साग भाजी को खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विदुर नीति का अवलंबन किया। आपने महाभारत में देखा होगा, जिस समय पर विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि तुम्हें जड़ जगत से तो अंधे हो ही, लेकिन पुत्र मोह में यथार्थ जो तुम्हारा ज्ञान है उसको भी बहिष्कार करके और तुम क्या कर रहे हो, काल को साक्षात आमंत्रित कर रहे हो। अगर ये युद्ध हुआ, एक भी कौरव नहीं बचेगा। पांडवों ने केवल मात्र 5 गांव की तो याचना करी है, पुत्र मोह में अंधे ना होकर और पांडवों को उनका हिस्सा प्रदान करो। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में पूर्ण रूप में अंधा था, इसीलिए उसने वो नहीं किया। अंतिम में जिस समय दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाने की चेष्टा करी, विदुर जी को हस्तिनापुर परित्याग करना पड़ा। वहां से चले गए विदुर जी, सब कुछ परित्याग करके तो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भैया। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध। आज विदुर जी कौरवों को छोड़कर नहीं गए हैं, उनका सारे पुण्य की जो संपत्ति थी, सारा पुण्य पुंज वहां से चला गया और अंततः क्या परिणाम हुआ? कौरवों का सर्वनाश। विदुर जी ने जब धर्म पथ का पालन किया, अच्छी नीति का पालन किया, उसके फलस्वरूप साक्षात ठाकुर जी उनके यहाँ। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यदि कोई सुनीति का अवलंबन करे, शास्त्र की नीति का अवलंबन करे, तब तो साक्षात ठाकुर जी हमें दर्शन देंगे, ठाकुर जी हमारे घर में आएंगे। लेकिन सुरुचि का अगर कोई अवलंबन करे, अपनी रुचि के अनुसार चले, भैया कभी मंगल नहीं हो सकता। यद्यपि देखा, देखने को मिलता है कि सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुमिति के पुत्र का नाम था ध्रुव। प्रश्न होता है कि सुरुचि यदि कोई पालन करे, सुरुचि अपने मन के अनुसार कोई चले, तो उसका उत्तम फल कैसे मिलेगा? तब कहते हैं कि ये उत्तम केवल मात्र क्षणिक उत्तम है। एक दो रस्ते बतलाए हैं, जैसे दोनों 100 कोस के रस्ते हैं। एक रस्ते में पहले 10 कोस तक तो फूल बिछे हुए हैं और उसके आगे कांटे ही कांटे 90 कोस तक, और उस रस्ते के बाद में एक विराट खाई है। और यहीं पर एक दूसरा रास्ता है जिसके अंदर पहले के 10 कोस में तो थोड़ा कांटे हैं, बाद में 90 कोस में फूल ही फूल बिछे हुए हैं, और उसके बाद में साक्षात ठाकुर युगल किशोर के चरणारविंद हमें प्राप्त होंगे। बताओ दोनों में से कौन सा रास्ता आप अवलंबन करोगे? बताइए। पुष्प वाला, जिसमें 90 कोस तक पुष्प बिछे हुए हैं, ये सुनीति का जो पथ है। अगर कोई शास्त्र नीति को अवलंबन करे, वो ऐसा ही पथ है कि शुरू में पालन करने में तनिक कठिनाई लगेगी। शास्त्र कहते हैं कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और ठाकुर जी का जप करो, ठाकुर जी का भजन करो। लेकिन सर्दी का समय हो, उस समय पे 4 बजे अगर अलार्म बजे, उसको हम क्या करते हैं, बंद करके फिर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। रुचि तो कहती है कि भैया उठो नहीं, नींद बड़ी सुखकारी है, लेकिन नीति कहती है उठ के ठाकुर के भजन में लग। अरे कितने जीवन तो सोते सोते निकल गए, ये जीवन भी क्या सोने में निकालोगे? लेकिन हम क्या करते हैं, हम भी प्राय सुनीति को परित्याग करके सुरुचि की ओर धावित होते हैं। ये राजा उत्थानपाद की भी ऐसी ही अवस्था थी, सुनीति को अप्रिय मानकर, सुनीति से यद्यपि प्रेम करते थे, लेकिन छोटी रानी सुरुचि के इतने वशीभूत थे कि उसने एक दिन कह दिया, या तो रहूंगी मैं या रहेगी सुनीति। राजा को विवश होकर सुनीति के लिए अलग महल तैयार करना पड़ा। वो राज्य के किसी कोने में बाहर की ओर रहती थी और राजा छोटी रानी के वशीभूत होकर सुरुचि के साथ में महल में निवास करते।
अभी एक समय राजा सुरुचि दोनों राज्य दरबार में अपने पुत्र उत्तम को लेकर गोद में बैठकर वहीं पर हास परिहास कर रहे थे। सुरुचि अपने बच्चों के साथ में खेलते खेलते जब राज्य दरबार में आए हैं, पिताजी को जब देखा, पिताजी की गोद में उत्तम बैठा हुआ है, उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। जैसे ही ऊपर की ओर धावित हुए, सुरुचि अत्यंत ईर्ष्यान्वित होकर और उसे चिल्लाते हुए उनको डांटने लगी। बोले, हट रे अभागे, अरे तू कहां से चलता हुआ आ रहा है और पिताजी की गोद में बैठने का दुस्साहस? तू राजा का पुत्र अवश्य हो सकता है, लेकिन रानी का पुत्र नहीं है। तेरा इतना दुस्साहस हो गया कि तू राजा की गोद में बैठने चला गया? एक बार कान खोलकर सुन, अभी तेरे इतने पुण्य कर्म नहीं कि तुझे राजा की गोद प्राप्त हो। अगर सचमुच में अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा तपस्या कर, तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म ले। जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाकर तुझे राजा की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। जब 5 साल के छोटे बालक ध्रुव को ऐसे सौतेली माँ के कटु वचन सुनने को मिले, राजा के राजा भी उस समय पर शांत बैठे थे। राजा उत्तान पाठ अपनी पत्नी के इतने वशीभूत थे कि इतने कटु वचन विष के समान वचन सुनने पर भी कुछ नहीं बोले, और ध्रुव इतने दुखी हो गए। ध्रुव यद्यपि क्षत्रिय बालक है, 5 साल के बालक हुए तो क्या क्षत्रिय बालक है, शरीर में रक्त मानो 420 फीट से दौड़ने लगा, उनकी श्वास दीर्घ होने लगी और पूरा शरीर पर पसीने पसीने आने लग गए। इतने क्रोधित हो रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और सांस लंबी लेते 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 अपने वहां से निकल गए। अपनी माँ के पास में जा रहे हैं और उनकी अवस्था कैसी है, मानो एक सर्प चलते हुए जा रहा था, किसी ने लाठी से मार दिया। अभी उस सर्प को तो और भी क्रोध आएगा, फण उठाकर जिस प्रकार क्रोध में वो सर्प घूमता है, आज ध्रुव जी की भी उसी प्रकार अवस्था। अत्यंत दुखी होकर जब अपनी माता के महल में पहुंचे थे, अंतपुर की दासियों ने तो पहले ही सुरुचि को वर्णन कर दिया। बोले, महारानी जी, छोटे छोटे महलों में आपका अपमान तो होता ही था, आज राजकुमार का भी हो गया। सुरुचि ने राजकुमार को बड़े ही कटु वचन कहकर और राजा की गोद में बैठने के लिए मना कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी अपनी माँ के पास में आए हैं, सुरुचि अत्यंत दुखी हो गई, मनी मन बहुत करुण भाव से मानो कह रही है कि अरे बेटा, किसी और की गोद में बैठने की आशा ही क्यों करता है, अरे तेरी माँ क्या मर गई है। बड़े ही अश्रु भरे नयनों से सुरुचि ने पुत्र को आलिंगन किया और हरि बोल हरे कृष्ण पुरुष वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी सुनीति ने अपने पुत्र को आलिंगन करके और उसे सांत्वना देने लगी। यद्यपि सुनीति की अवस्था भी कोई ठीक नहीं थी, अरे किसी आम के अंदर बड़ी पुष्पित पल्लवित लता को यदि डाल दो, वो हरी भरी लता जिस प्रकार सूख कर जल जाएगी, ठीक उसी प्रकार आज सुनीति की अवस्था है। लेकिन करे तो करे क्या, राजा भी पूर्ण रूप में रानी के वशीभूत है, जो रुके गुलाम हो गए। इसीलिए आज सुनीति अपने पुत्र को ही समझाने लगी है, अरे उनका नाम ही है सुनीति, किसी और को दोष नहीं देगी। अगर अभी के समय की कोई माँ होती तो झट से पुत्र का हाथ पकड़ा और चली जाती लड़ने, बोले चल मैं देखती हूँ किसने तेरे को इतने कटु वचन बोले, किसने तेरे ऊपर हाथ उठाया। लेकिन उसका नाम ही है सुनीति, किसी और को दोष ना देकर अपने पुत्र को समझाने लगी कि देख बेटा, हमें जो भी कोई दुख आते हैं, हमें जो भी कोई कटु वचन बोलता है, उसका संबंध निश्चित रूप में हमारे कर्मों से है। अरे उसने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उसकी गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ है और राजा भी उससे बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन हो सकता है मेरे कोई खराब कर्म रहे होंगे जिसके फलस्वरूप तुमने मेरी गोद से जन्म लिया। लेकिन एक बात तुम्हारी माँ ने बड़ी अच्छी कही है, ध्यान देकर सुनो, आप भी बड़े ध्यान देकर सुनिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें भगवान का भजन करने का उपदेश दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुरुचि ने दो बातें कही, एक बात अच्छी और एक बात बुरी। बोले क्या क्या, एक बात अच्छी तो ये कही कि जाकर भगवान का भजन करो, क्योंकि वो माँ भी कब तक रहेगी, उसके कटु वचन का भी क्या मूल्य है, वो पिता भी कब तक रहेगा, उसकी गोद भी कब तक रहेगी, अरे वो राज्य भी कब तक रहेगा, एक दिन सब सर्वनाश हो जाना है। अगर
श्री विष्णु की गोद में यदि एक बार कोई विराजमान हो जाए, भगवान गीता में क्या कहते हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते तत्धाम परम मम। भगवान का वो ऐसा अतुल धाम है जहां पर एक बार यदि कोई पहुंच जाए वहां से दोबारा नहीं आना आता। इसलिए अगर तुम चाहते हो गोद में बैठना, इस पिता की गोद की आशा छोड़ दो और उस परम पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या करो। तुम्हारी माँ ने, सौतेली माँ ने ये एक बात बड़ी अच्छी कही, लेकिन एक बात खराब भी कही। बोले वो क्या? तुम्हारी माँ ने कहा कि तपस्या करके मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अरे क्या वो अपने गर्भ को वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मानती है? क्योंकि भगवान के धाम में जाने के बाद में तो किसी जीव को मातृगर्भ में आना नहीं पड़ता। तुम अगर भगवान का भजन करोगे तो ऐसी माँ की गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? इसीलिए सारग्राही बनो। एक मधुमक्खी को देखना, एक मधुमक्खी कितने ही कांटे क्यों ना हो, लेकिन उन कांटों के बीच में खिले हुए पुष्प से मधु संग्रह कर लेता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी सारग्राही बनो। तुम्हारी माँ ने जो कटु वचन कहे उससे मत्सरता मत करो, ईर्ष्या मत करो, और उसके वचनों को समझकर और क्या करो, भगवान का भजन के लिए चले जाओ। माँ ने जब इतनी सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, ध्रुव जी अभी प्रश्न कर रहे हैं, बोले माँ भगवान दिखते कैसे हैं और भगवान तुझे मिलेंगे कहाँ? तब उस समय पर सुनीति ने भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप का भी वर्णन किया। देखिए भागवत में भगवान के बड़े सुंदर सुंदर स्वरूपों का अलग अलग जगह पर वर्णन आया है। जो लोग भगवान को निराकारी मानते हैं उन्हीं के लिए विशेष करके ये सगुण स्वरूप सुंदर स्वरूपों का वर्णन है। माता जी कहने लगी कि उनका स्वरूप ही इतना अद्भुत है। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम सुनासिकाग्र मुक्तिकम स्वच्छंद दंत पंक्तिकम नवांगदांग चिंतनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम। यहाँ पर सुनीति ध्रुव जी को कहती है कि भगवान देखने में अत्यंत सुंदर है, उनके बड़े बड़े कमल पंखुड़ी के समान नयन है, पद्म पलाश लोचन, गले में उन्होंने उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ है और गले में माला धारण करी हुई है, सर पर सुंदर किरीट कुंडल विराजमान है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। माता को मिलेंगे कहाँ? बोले वन की ओर जाओ। ठीक है, आज जब गुरु जी अपने घर को परित्याग करके दृढ़ संकल्प होकर और वन की ओर आ रहे हैं, आकाश मार्ग में नारद जी भी अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बोले देखो देखो 5 साल का क्षत्रिय बालक, अरे कहाँ इसके खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन क्षत्रिय का तेज तो देखो, आज सौतेली माँ के कटु वचन को सुनके और भगवान का भजन करने को चले आए। नारद जी ने साक्षात वहां पर वीणा बजाते बजाते उपस्थित हुए, पूछने लगे कि अरे तुम तो खानपान का बेटा है ना, कहाँ की ओर जा रहा है? बोले मैं भगवान का भजन करने के लिए मन की ओर जा रहा हूँ। नारद जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, 5 साल का बालक कहाँ, 80-80 साल के बुद्धों को भी ये स्मरण नहीं होता कि भगवान का भजन करना चाहिए, और 5 साल के बालक को भगवान का भजन करने की स्फूर्ति आ गई। नारद जी फिर भी परीक्षा लेने लगे। नारद जी कहते हैं कि चल मैं तेरे पिताजी से बात करता हूँ। अरे वो तुझे अपनी गोद में निश्चित रूप में बिठाएंगे, मैं समझाऊंगा कि 5 साल के बच्चे को क्या ऐसे कोई डांटता है, केवल गोद में बैठने की तो आशा करी थी, तुझे राजगद्दी भी मिलेगी, चल मेरे साथ मैं समझाता हूँ। अरे भगवान का भजन करने के लिए वन में जा रहा है, जानता है वहाँ शेर भालू बाघ कितने हिंसक पशु हैं, तुझे खाकर हजम कर लेंगे, इसलिए चल मेरे साथ। गुरु जी कहने लगे कि आप बतलाइए आप वही ब्रह्मा पुत्र नारद है, असली नारद है या नकली नारद है? बोले ऐसा क्यों कहता है? बोले मैंने तो सुना था जो जीव भगवान का भजन करने की इच्छा करता है, नारद जी तो उसे भगवान का मंत्र देकर और भगवत भजन की ओर अग्रसर करते हैं, आप तो मुझे कहां वापस घर में भेज रहे हो, आप सच्ची सच्ची वाले नारद हो ना असली? नारद जी कहने लगे कि मैं भी वही असली नारद हूँ और तू भी वही असली गुरु है, तू भी पक्का चेला और मैं भी पक्का गुरु। इसलिए ब्रज में आपने कहावत
सुनी होगी, यदि पक्के होते चले तो पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों बेल के खली मिले न तेल। अगर कच्ची सरसों अगर उसको पीसोगे तो उसे ना ही तो खली मिलेगी और ना ही तेल निकलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर संग करना चाहते हो तो किसका संग करो, बोले जो पक्के हैं, जो बहुत ही उन्नत भजन आदर्श में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करोगे, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करोगे, तब जाकर तो भगवत प्राप्ति अनायास हो जाएगी। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी नारद जी ने ध्रुव जी को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि देखो मैं क्षत्रिय बालक हूँ, आप जो कुछ भी कह रहे हैं नारद बाबा सब बात ठीक है, लेकिन मेरा स्वभाव मुझे परित्याग करने को नहीं कहता। मैं जो घर से तय करके निकला हूँ पिताजी से सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करूंगा, निश्चित रूप में वो करके मानूंगा। इसलिए नारद जी ने उस समय पर भगवान के भजन करने का उपदेश दिया, भगवत मंत्र भी प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते केवल मात्र वृक्ष से जो अपने आप पत्ते टूट जाते थे वो पत्ते खा रहे हैं।
पेड़ों को कष्ट भी नहीं दिया, फल और पत्ते तोड़ते नहीं है, अपने आप जो पत्ते गिर गए, छह दिन में एक बार वो पत्ते खा लिए, तीसरे महीने छह दिन में नहीं, नौ दिन में एक बार, पत्ते भी नहीं केवल मात्र जल ग्रहण कर रहे हैं। चार महीने होते होते जल ग्रहण करना भी बंद कर दिया, केवल मात्र वायु का भक्षण कर रहे हैं, एक बार बस श्वास ले लेते थे, वो भी कितने, बोले 12 दिनों में एक बार, 12 दिनों में एक बार श्वास ले लेते थे, ऐसी अवस्था हो गई। और पांचवा महीना आते आते तो वायु भक्षण भी बंद कर दिया पूर्ण रूप में। यदि कोई प्रश्न करे कि भैया बिना सांस लेकर कोई जीवित कैसे रह रहा था, तो उसका उत्तर देते हैं कि वो सतयुग की बात है। सतयुग में उस समय पर अस्थिमय प्राण थे। अगर ये हड्डी का ढांचा, ये जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती है, अगर ये हड्डियों का ढांचा ठीक है तो आप जीवित रहोगे, लेकिन कलयुग के अंदर ऐसा नहीं है। कलयुग के अंदर तो अन्नगत प्राण है, भोजन खा रहे हो तो जाकर जीवित रहोगे, है ना। तो सतयुग के अंदर उस समय पर ध्रुव जी ने 5 मास होते होते अभी श्वास लेना भी बंद कर दिया, और जैसे ही श्वास लेना बंद कर दिया, समस्त दिक्पाल लोकपाल समेत अखल निखिल जगत की श्वास भी बंद हो गई। सभी लोग त्राही माम मधुसूदन, त्राही माम मधुसूदन, सभी देवता जाकर तो विष्णु जी के पास में आराधना कर रहे हैं, बोले प्रभु आपका भक्त इतना उत्कट भजन कर रहा है, आप जाकर उसकी वांछा पूर्ण कीजिए। अरे इसके भजन के प्रभाव से तो पूरी पृथ्वी डगमगा रही है। एक नाव के ऊपर जिस प्रकार एक हाथी खड़ा रहता है, हाथी अगर हिले तो पूरी नाव तिलमल डलमल करने लगती है, ठीक आज ध्रुव के प्रभाव से, ध्रुव के भजन के प्रभाव से पूरी पृथ्वी डलमला रही है। ध्रुव जी यद्यपि खड़े हैं पैर के एक अंगूठे पर, लेकिन एक पैर से जब दूसरे पैर पर जाते तो सारी पृथ्वी कंपायमान होती, इतना उत्कट भजन, इतना उनके भजन का प्रभाव। यहाँ पर नारायण भी वैकुंठ लोक में बड़ा सुंदर श्रृंगार करने लगे हैं। लक्ष्मी जी प्रश्न कर रही है कि स्वामी आज इतना बट भर इतना श्रृंगार कर कहां जा रहे हैं। टीकाकार उत्तर देते हैं, मधुवनम विदिक्ष भिक्षुताम, बोले मधुवन में मेरा एक भृत्य, मेरा एक सेवक, वो भजन कर रहा है, आज उसका दर्शन करने नहीं, आज उसको दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। हमें टीकाकार कहते हैं कि भैया ये भक्ति का एक सहज गुण है। आप देखो जब पुष्प प्रस्फुटित होता है, एक गुलाब का अगर फूल खिला हो, ये गुलाब के फूल के पास में मधुमक्खी स्वयं आती है ना, फूल गुलाब मधुमक्खी के पास में जाता है, मधुमक्खी भ्रमर स्वयं उस पुष्प का आस्वादन करने के लिए आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हृदय में भक्ति जागृत हो जाए तो भगवान स्वयं आस्वादन करने के लिए आते हैं, भगवान स्वयं भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज नारायण ने भी बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर और ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए साक्षात सामने प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी तो आंख बंद करे हुए हैं, उसी भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। नारायण को ले आओ, नारायण को ले आओ, ले आओ नारायण भगवान को ले आओ। यहाँ पर ध्रुव जी तो आंखें बंद करके और भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, अभी भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है, ध्रुव जी आंख नहीं खोलना चाहते। नारायण विचार करने लगे कि हम सामने खड़े हैं, ये बंदा आंख क्यों नहीं खोलता। तो उन्होंने क्या किया, एक क्षण के लिए ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की सुंदर स्वरूप था उसको विस्मृत कर दिया, उसको जैसे ही हृदय से हटाया है, ध्रुव जी तो वहां पर छटपटाने लग गए, अरे इतना सुंदर स्वरूप जिसका मैं आस्वादन कर रहा था न जाने कहां चला गया। और जैसे ही उत्कट होकर उन्होंने आंखें खोली है, सामने देखा वही पद्म पलाश लोचन अचेंद्रिय भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर विराजमान है। भगवान की जय। देखो नारायण बड़े सुंदर चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने, और ध्रुव जी अभी सामने आंखें खोल के भगवान के सुंदर स्वरूप का आस्वादन कर रहे हैं। ध्रुव जी उन आंखों से भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को अपने नैनों में बसा रहे हैं, मन ही मन मानो भगवान का आलिंगन किया और आलिंगन करके उनके उस रूप का जी भर के पान किया। इधर देखो नारायण का दर्शन तो हो गया, अब कथा से दर्शन करो। अभी नारायण की स्तुति करना चाहते हैं,
ध्रुव जी 5 साल के बालक हैं, कभी स्कूल तो गए नहीं, संस्कृत ज्ञान है नहीं, इसीलिए भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। स्तुति करेंगे कैसे? तो उसी समय पर भगवान ने वेदमय अपना ज्ञान स्वरूप जो शंख था, उस शंख को ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श करवा दिया, उसके गाल पर छुआ दिया। और गाल पर स्पर्श करवाते मात्र ही ध्रुव जी को तो समस्त वेद पुराणों का ज्ञान जैसे आ गया, और उन्होंने बड़े सुंदर रूप में 12 श्लोकों से स्तुति करी, 12 श्लोकों में स्तुति करी। श्रीधर गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये 12 श्लोक नहीं, ये तो 12 आदित्य है। ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहते हैं, यो अंत्य प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्तां संजीवति अखिल शक्तिधर प्रभु, मैं तो आपका दर्शन
जी की अवस्था है। कहां एक छोटा सा राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, अपनी माता को राजमाता बनाना चाहते थे, लेकिन भगवान का दर्शन होने से हृदय पूरा निर्मल हो गया और हृदय में कोई इच्छा नहीं रही। भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं कुछ तो वर मांग, अरे मेरा दर्शन विफल तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ वर मांग लो। तब गुरु जी ने बड़ा एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगा, आप भी ध्यान से सुनिए। भक्तिर्मुहु प्रहवता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्त महता ममलाशयानां येनाञ्च सोलवण उर्वसनं भवापि नेशे भवद्गुण कथा मृतपानमत्तम। ध्रुव जी कहते हैं ये दे दो। बोले क्या? भक्तिर्मुहु प्रहवता त्वयि मे प्रसंगो, हे प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग दे दो। नारायण आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मैं सामने खड़ा हूँ, अरे भगवान सामने साक्षात खड़े हैं तो फिर भक्तों का संग क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु अगर आपके भक्तों का संग यदि मिल जाए तो मैं अनायास ही भव सागर को पार कर लूंगा। अरे लोग तो अतिशयोक्ति बहुत ही एग्जैजरेट करते हुए कह देते हैं कि भव सागर है, कहाँ एक छोटी सी तलैया। मेरे गुरु जी मुझे आदेश करें तो मैं एक छलांग मार के उसको पार कर लूं, लेकिन भव सागर पार करने के लिए आपका भजन नहीं कर रहा हूं, इसके लिए आपके भक्तों का संग नहीं चाहता हूँ। अरे आपके भक्तों का संग यदि मिलेगा तो सब समय आपकी कथा, सब समय आपका कीर्तन, सब समय आप ही का ही चर्चा होगी। भगवान गीता में क्या कहते हैं? बोले मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसाम नाहम कक्षामि ते नरम। अगर कोई मेरी कथा नित्य प्रति श्रवण करे, मेरी कथा यदि कोई नित्य प्रति बोले, मेरा ही सब समय चिंतन करे, अरे मैं उस स्थान को कहीं परित्याग नहीं करता। गुरु श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम भी यहाँ पर देखो ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान इन कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जा रहे हैं, इतनी शक्ति उन अखिल वचन भगवान में। इसलिए ध्रुव जी ने भी आज भगवान के भक्तों का संग मांगा है। भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय की इच्छा मैं जानता हूं। तुम अपने पिताजी से बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे ना, जाओ दिव्य 36,000 सालों तक तुम्हें राजत्व मिलेगा। भगवान छोटी मोटी सरकार नहीं बनाते 5-5 साल की, सीधा 36,000 साल तक ध्रुव जी को राज्य प्रदान किया और मृत्यु के पश्चात भी उनके लिए एक ध्रुव लोक बना दिया। आज भी जो हम ध्रुव तारा देखते हैं वो ध्रुव जी का लोक है जो भगवान ने उनके लिए विराजमान किया। प्रलय होने पर भी वो ध्रुव लोक स्थायी रहता है, लेकिन ध्रुव जी जब वापस घर की ओर आ रहे थे बड़े दुखी है। पिताजी से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए भजन करने को गए थे, लेकिन भगवान का दर्शन करके पूर्ण रूप में निर्मल हो गया चित्त। सोच रहे हैं कहां भगवान ने मुझे इस माया में फंसा दिया, अरे 36,000 सालों तक अब मुझे राज्य भोग करना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुखी होकर ग्लानी भाव से उन्होंने क्या किया? बोले राज्य का भोग किया। अंतिम समय पर जब मृत्यु आई है, मृत्यु भी साक्षात वहां पर विराजमान और ध्रुव जी से कह रही है कि चलो आपका समय शेष हो गया है, जब तक एक जीव मेरा अवलंबन ना करे इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ नहीं सकता, इसीलिए आपको मेरा सहारा लेना पड़ेगा। ध्रुव जी कहने लगे कि वहीं पर बैठ जाओ। ध्रुव जी अपनी जो संध्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, अपना भजन उन्होंने शेष किया है, अपना साधन भजन शेष करके और उसी समय पर साक्षात वैकुंठ से विमान उपस्थित हुआ। विष्णु दूत उन्हें लेने के लिए आए हैं, चतुर्भुज दूत, और वहां पर ध्रुव जी के लिए रथ आ गया। ध्रुव जी अभी रथ के ऊपर आरूढ़ होंगे, उसी समय पर मृत्यु से कहा कि यहाँ आकर बैठ जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखकर सशरीर, ये शरीर भी छोड़ना नहीं पड़ा, इसी शरीर से भगवान के लोक में गमन किया। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामा, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि I'm
विष्णु दूत से कहने लगे कि थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ। बोले क्या हुआ? अरे मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ सुनीति, जिसने मुझे भगवान का भजन करने का इतना सुंदर उपदेश दिया था, अरे आज उसके कारण ही तो मुझे भगवत लोक की प्राप्ति हो रही है। मैं अपनी माँ को लिए बिना नहीं जाऊंगा। ध्यान देकर सुनिए, जब ध्रुव जी ऐसी बात कहने लगे, विष्णु दूतों ने उन्हें बताया, बोले देखो तेरे जैसी संतान जिस माँ के गर्भ से जन्म ली हो, अरे उसका और क्या वैकुंठ जाना बाकी रह गया? देख तुझसे पहले तेरी माँ, तेरे से आगे एक जो रथ जा रहा है उसके अंदर तेरी माँ विराजमान है, तुझसे पहले ही उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए देखो, संतान को यदि भगवान के भजन में नियुक्त किया तो उसका कितना फल है। संतान की तो सद्गति भगवत प्राप्ति बाद में होगी, जो माता पिता ने संतान को भगवान के भजन में लगाया उनको पहले ही भगवान का धाम मिलेगा। आपने रामायण देखे हैं, रामायण के अंदर जब लक्ष्मण मैया सुमित्रा के पास में गए हैं कि हे मैया, राम और सीता जी अभी वनवास जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ में वनवास उनकी सेवा के लिए जाना चाहता हूँ, सुमित्रा बड़ी आनंदित हो गई। बड़ी आनंदित होकर, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासूस तो होई। बड़े ध्यान देकर सुनिए ये बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी माँ का गर्भ धारण करना सार्थक है जिसके पुत्र ने रघुपति भक्ति जासूस तो होई। अरे जिसकी संतान ने भगवान का भजन किया उसी माँ का गर्भ धारण करना सार्थक है। जननी जने तो भक्त जन, या दानी या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा गवाही नूर। अरे क्यों नौनो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नौनो मास तक बच्चे को गर्भ में धारण करोगे, अत्यंत कष्ट वाली प्रसव पीड़ा सहन करके उसको जन्म दोगे, मुंह का खाना निकाल कर उस बच्चे को खिलाओगे और अंतिम में अगर उसने भगवान का भजन नहीं किया तो तुमको नर्क में जाना पड़ेगा। अगर भक्त नहीं जन्म दे सकती तो फिर तो अच्छा है बांझ रहो, बांझ रह जाओ, अगर भगवान के भजन में अपने संतान को नहीं लगा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सावधान कर देते हैं, क्योंकि देखो पुराणों में कथा आई है, एक समय पर एक योगी अपने योग के बल से स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक में देखा वहां पर एक रत्न सिंहासन पर एक पुरुष विराजमान है, सब दास दासियां उसको चामर व्यंजन कर रही है, कोई पंखा डुला रही है, लेकिन बाहर रत्न सिंहासन में स्वर्ग पर बैठे बैठे भी रो रहा है, बार बार मूर्छित हो रहा है। उस योगी ने प्रश्न किया कि क्या बात है, तुम्हें इतने कष्ट में क्यों हो, रो क्यों रहे हो, यहाँ स्वर्ग में तो बड़ी मौज है, आनंद है। तब वो व्यक्ति कहता है कि देखो मैंने अपनी संतान के लिए बहुत पैसा कमाया, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अपनी संतान के लिए बड़ा पैसा कमा कर आया लेकिन उन्हें भगवान के भजन का उपदेश नहीं दिया, भगवान के भजन का उपदेश ना देने के कारण आज वो गलत मार्ग पर चल रहे हैं। मैंने तो पैसा कमा कर आया था, उस पैसे से शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, लड़कीबाजी करते हैं और इसके कारण उसका कष्ट मुझे यहाँ भी भोगना पड़ रहा है। अरे स्वर्ग में भी मैं सुखी नहीं हूँ। उसी के विपरीत यदि कोई संतान को भगवान के भजन में नियुक्त करे, भले ही ज्यादा पैसा ना कमा कर जाए, अगर होनार संतान हुई तो पैसा तो अपने आप कमा लेगा, लेकिन अगर अच्छे संस्कार मिले हैं, भगवान का भजन यदि कोई करता है तब क्या होगा। ध्रुव जी का उदाहरण देख लो, अपने जाने से पहले माँ की सद्गति हो गई, माँ को वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ पर जितने भी माता पिता विराजमान हैं उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी संतान को भगवान के भजन में नियुक्त करे, और जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका ये दायित्व तो होना चाहिए कि हमारे कारण हमारे माता पिता की दुर्गति ना हो भैया, हम कोई ऐसा काम ना करें, हम किसी गलत मार्ग पर ना जाएं जिसके कारण हमारे माता पिता की बदनामी हो, इस लोक में और परलोक में दोनों ही खराब हो। इसीलिए क्या करो, भगवान का भजन स्वयं भी करो और भगवान के भजन में संतान को भी उसी शिक्षा दो। आज के समय पर देखो ऐसी विडंबना हो गई है, जो शिक्षा हमें स्कूल में प्रदान की जाती है, किस तरह से पैसा कमाना है ये शिक्षा तो हमें स्कूल कॉलेज में दे रहे हैं, दिल जाती है, लेकिन किस तरह से एक जीवन यापन करना है, भजनमय भक्तिमय जीवन होना चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं मिलती। इस शरीर के लिए शिक्षा देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो आत्म शिक्षा प्रदान करने वालों का अभाव है, बहुत अभाव है। हमारे शास्त्र, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसके विषय में क्या
सब चाहते हैं विदेशी संस्कृति को अपनाना, है ना। सब चाहते हैं क्या, हमारे बड़े बड़े घर हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां हमारे पास में हो, घर में पूरी बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो, एसी, एलईडी टीवी, हॉटस्पॉट, मोबाइल, सब चीज होना चाहिए हमारे पास में। लेकिन क्या ये सारी चीजें शांति प्रदान कर रही है? ये सारी चीजें जिन विदेशियों के पास में पहले से है, क्या उन लोगों को शांति प्राप्त हो गई? विचार करके देखो, वही विदेशी लोग इन सब चीज के होने के बावजूद आज डिप्रेशन में है। रात में जब तक नींद की गोली ना खा ले उनको नींद नहीं आती, ऐसी दुर्गति हो रही है। क्या ऐसी दुर्गति भारत में भी होना चाहते हो? क्या आप लोग चाहते हैं आपकी संतान की भी ऐसी दुर्गति हो? अगर नहीं चाहते तो घर में भजनमय परिवेश बनाओ, स्वयं भजन करो और संतान को भी उसी प्रकार की शिक्षा दो। इसीलिए घर में नियम बना लो, हम प्रत्येक दिन कोई सदग्रंथ हो, गीता, रामायण, भागवत, कुछ ना कुछ अध्ययन करेंगे। बच्चों को भी कुछ ना कुछ ग्रंथ अध्ययन करवाएंगे। आप देखो मुसलमान धर्म में लोग अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने जागरूक हैं। आपके यहाँ पर भी देखोगे शुक्रवार के दिन मुसलमान लोग कुछ करें या ना करें, शुक्रवार के दिन अपनी नमाज अदा करने के लिए बड़े पंचुअली, बड़े नियमित रूप से जाते हैं, है ना। हमें तो संस्कृत स्कूल में पढ़ाई गई थी, बड़े ध्यान देकर सुनिए, संस्कृत हमें स्कूल में पढ़ाई गई थी 3-4 साल के लिए। लेकिन उर्दू जैसी भाषा जिसका फ्यूचर में, करियर में कोई रोल नहीं है, उर्दू कोई काम नहीं आती, है ना। जब पैसा कमाने के लिए उर्दू की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी भाषा को भी मुसलमान सीखते हैं, मुसलमान भाई लोग सीखते हैं। इसलिए बोले अपना ग्रंथ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। लेकिन क्या हमारी ऐसी चेष्टा है हमारे ग्रंथ पढ़ने के लिए, हमारे ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए? हिंदी तो, संस्कृत तो दूर की बात है, लोगों को आजकल हिंदी पढ़ने में भी रुचि नहीं, हिंदी का भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए क्या करो, बोले हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, इनका सहारा जब तक नहीं लोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, है ना। हमारी चेष्टा है, देखो हम चाह रहे थे कि जो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, यंग बच्चे जो हैं 10th क्लास और उससे ऊपर वाले, उनको हम उनके लिए अलग से सेशन, उनके लिए सेमिनार या अलग से सेशन, उनके लिए क्लासेस हम देंगे। अगर आप लोगों की सच में इच्छा है कि हमारे बच्चे इस ज्ञान को लें, क्योंकि आज के समय पे देखो बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, किस लिए? बोले सारी चीज वही यूट्यूब, गूगल, इन्हीं सबसे लेते हैं, उन्हीं से ज्ञान मिलता है, और ये ज्ञान जो है ये अधूरा ज्ञान है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सेमिनार के माध्यम से ही उनको कुछ अच्छे संदेश प्रदान करेंगे, अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रदान करेंगे। यदि आप लोगों की इच्छा होगी, हम चेष्टा करेंगे लास्ट के 3 दिन, कल तो चतुर्थ दिन है, 5वें, 6वें और 7वें दिन हम चेष्टा करेंगे उनके लिए अलग से क्लास रखने के लिए, 1 घंटा प्रत्येक दिन, ज्यादा समय नहीं। आप अपने बच्चों को भेजिएगा, हम 1 घंटा प्रत्येक दिन उनके लिए क्लास रखेंगे, उनके लिए अच्छी अच्छी शिक्षा में प्रदान करेंगे, ताकि बच्चे नास्तिक ना हो, भगवान का भजन करे, घर में भजनमय परिवेश हो। ठीक है, मैं यही बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंद हरी हरी बोल। कौन कौन चाहते हो आपका बच्चे अच्छे बने? अब सब चाहते हैं ना। देखो ये जो हम जिनको घर में रुके हैं, पास में रुके हैं, उनके घर में आपको बच्चों के लिए, इधर देखो उधर क्या देख रहे हो, इसलिए आपको बच्चों को अच्छे शिक्षा देने के लिए हम कोशिश करेंगे। जिनके घर में रुके हैं ना, उसी घर में ही कितने बजे क्लास दे सकते हैं? आपको बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, कितने बजे उनके समय होगा बताओ? आप लोग जिस समय बच्चों का समय होगा ये, तो बच्चों के लिए उसी समय ये क्लास देगा। किस समय तुम्हारे बच्चों का समय होगा, बोलो जोर से। अरे बोलो कितने? 2 बजे। ठीक है, 2 बजे से मुझे लगता है जो लास्ट जो 3 दिन है ना, लास्ट दिन हम चले जाएंगे। इसलिए दो दिन, ठीक है, ये लास्ट में ये दो दिन बच्चों का क्लास लेंगे। ठीक है, देखो ये बच्चे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये ऑटो कंपनी में 1.5 लाख रुपया की नौकरी छोड़ करके ये भर्ती में ज्वाइन किया है। ये ऑटो कंपनी में नौकरी करता है, वो जो बच्चा बैठा हुआ है ना, जो पहले वो बीटेक किया हुआ बच्चा है, और क्लास में फर्स्ट आता था, ऐसे नहीं, ऐसे स्टूडेंट नहीं था, क्लास में बच्चा फर्स्ट आता था क्लास में।
ये लोग जगत में हरि भक्ति प्रचार के लिए इन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। वो चाहते हैं आपका बच्चों को भी ऐसे संस्कार दे जो कि जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा होना वही भगवान का धाम, वही वृंदावन धाम है। अगर अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो बुरी भूखेंगे, फिर शराब पिएंगे, फिर मांस मछली खाना शुरू कर देंगे। इसलिए भागवत में बताया जिस घर में बच्चे हरि राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, लव कुश जैसे कौन हो, नाती पति अगर लव कुश हो फिर वो घर क्या अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है, जहाँ पर कभी अबध, जहाँ पर कभी बध नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं आपका हर घर घर को अयोध्या अवध और वृंदावन धाम की स्वरूप देने के लिए आपकी सब घर को हम चाहते हैं। हम चाहते कि नहीं, हम लोग चाहते हो ना? अगर चाहते हो अपना बच्चों को जोर करके भेजना, बच्चा मना करने पर भी बोले नहीं। जैसे मुसलमान भाई लोग शुक्रवार का दिन जोर जबरदस्ती अपना बच्चों को ले जाते हैं, दिल्ली में तो रोड जाम कर देते हैं, टोपी पहना कर ले जाते, धूप में बैठा दे, तभी तो उनकी धर्म का प्रति इतने विश्वास है ना, तभी तो है ना है। इसलिए जरूर आप लोग बच्चों को भेजना ये परसों और तरसों, ठीक है, परसों और तरसों 2 बजे से लेकर 3 बजे तक केवल 1 घंटा के बच्चों को क्लास देगा, ठीक है। देखते हैं कौन पिता माता चाहते हैं सचमुच से उसको बेचा भजन करे, उसको बेटा भगवान की भक्ति कर अच्छे संस्कार मिले, ठीक है। हाँ देखो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो हम सोच रहे थे और 5 मिनट हम लोग को दो, कितना दोगे? 5 मिनट, 5 मिनट में बच बढ़िया, 5 मिनट में हम एक ठाकुर जी की माला जप करेंगे, ठीक है। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ बढ़िया, बोले चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक दिन भक्तों ने बोले प्रभु हमारे घर में आपका भोजन है, लेकिन भगवान बोले सबका घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा। और उसी समय में लखपति मतलब है 5.5 साल पहले, जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। भक्तों लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हम कभी लखपति बन ही नहीं सकते, हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मुद्रा, क्या फिर हमारे घर में भोजन नहीं करोगे? देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोज आना जो 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, जो 1 लाख। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप आज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं भी फिरा गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे तो सो माला मालो ही माला खान निकालो, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल होगी, असली जो माल है ठाकुर का नाम है। देखो आप लोग लखपति कैसे बनोगे? कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? कौन कौन अमिताभ बच्चन को जानते हो? सब जानते हो। ये बोलता था कौन बनेगा करोड़पति, टीवी में आता था ना। यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। देखो मेरे तरफ में कैसे लखपति बनोगे, ये जो अंगुल है इसको टच नहीं करनी चाहिए क्योंकि गंदा अंगुल ये सबसे पहले निकलता है, तेरे को मैं देख लूंगा, इसलिए इसको ऊपर बाहर निकाल कर रखते हैं। अब ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रख करके हरिनाम करते हैं, जैसे मेरे सामने एक बार बोलो बोले हरे कृष्णा बोलो सबके साथ, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। इसमें एक मोती सर रखना है, फिर 2 बार बोलकर 2 मोती, 3 बार में 3 मोती। जब यहाँ खत्म हो जाता है उसको अंगूर इसको फिर बाहर नहीं करते क्योंकि ये राधा कृष्ण का रूप, फिर ऐसे घुमा देते हैं। देखो 1 लाख कैसे होना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया। इसमें 108 होती है, अगर इसको 16 राउंड किसने कर लिया तो हो जाता है 25,000, अगर किसने 64 वाला किया ना 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं बोले 1 लाख माला नहीं की,
आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फीस डिपॉजिट हो गई। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी? बोले दीना दीना बड़ा सवायो पायो दी मैंने राम रतना धन पायो। आज अगर 1,00,000 क्या ना, कल तुमको 1,25,00,000 मिलेगी। ये धन बढ़ेगी 2 दिन में 4,00,000। इसलिए 5 दिन तो एक माला करके फिर एक भजन सुन करके प्रसाद लेकर जाना, ठीक है? 5 मिनट आंख बंद कर दो, ये माला प्रभु जी की माला लेकर दे दो सब हाथ में। ये माला आपको लेने के लिए नहीं दे रहे, देने के लिए बच्चों को मत देना। बच्चों को जिनके पास माला वो मत लिया करो। ये माला जप करके वापस मेरे को देना, लेना नहीं कोई, ठीक है? हाँ, ये मत समझो वृंदावन में बांके बिहारी के चरण में बैठे। आंख बंद कर लो और मेरे साथ साथ में भगवान के नाम जप करो, मेरे साथ साथ में फटाफट दो। और एक व्यक्ति को दे दो, आधा दे दो उसको, वो बांट देगा। तुम पुरुष लोगों को दो, उसका आधा और किसी माता जी को दे दो, दे दो। ये भैया को दो, इनको दो। हाँ, जिनको पास में नहीं पहुंचेगा कोई बात नहीं, मेरे साथ में जप करो, आपको फल मिलेगा। और जिनको पास में पहुंचना है, मैंने जैसे बताया वैसे ही करो, मैंने जैसे बोला है ना वैसे ही करना। आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, करने लेकर जाना। हाँ, लेकर लेना, दे देना माला, वापस दे देना, दे दो दे दो। हाँ, जिनको पास में पहुंचा नहीं कोई बात नहीं, देख लो मेरे तरफ में। जैसे ये वाला है ना, ऐसे रहेगा जो ऊपर वाला ऐसे, और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखना और इसको ऐसे इस तरफ में, ठीक है? आप लोग आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में ठाकुर का चरण में बैठे हैं। बैठ करके मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सबके सब बोलना। जो नहीं बोलेगा ना, जो बोलने वाले का सारे पाप उनको सर पर चढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे नहीं, चुपचाप बैठो, सबके सब बोलो। माला तो एक करोगे, लेकिन यहाँ पर 400 भक्त बैठे हो, 400 माला करने का फल मिलेगा। माना आज आपका नाम पर बैंक में 5,00,000 रुपया डिपोजिट होने वाले हैं। ये भगवान खुद कहते हैं 5,00,000 रुपया डिपोजिट होने वाले। इसलिए सबके सब जोर बोलेंगे, बोलोगे आपका आवाज सबके कानों में जाएगी, और इसका आवाज जितने दूर तक जाएगी सारे पाप खत्म हो जाएगी, दुख कष्ट खत्म हो जाएगी वहां से। बोलो सबके सब जोर से, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला पूरी होगी ना? सर माला वापस दे देना, कोई लेना नहीं पाप लगेगा, कोई माला लेना नहीं पाप लगेगी, सब माला को वापस दे दो। रोज रोज एक माला जप करके लास्ट में जो लेना चाहिए उनको दे दें। सबके सब खड़े हो जाए, थोड़ी लाल की होली गाल बढ़िया से, होली गाल सबको नचा दो थोड़ी सी, सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक होली गाएंगे, होली में नाच करके प्रसाद लेके सब निकल जाना फटाफट से। Vamos.